अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको पबजी मोबाइल PSL के अंदर, जहां पर आज के दिन की बात करें तो लाहौर वर्सेस कराची की टीम्स एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। अभी के लिए प्लेन लाइन की बात करें तो प्लेन लाइन हमारे सामने रहेगा, जो कि प्री मॉस से टूवर्ड्स मिल्टा की साइड पर जाता हुआ शिफ्ट होता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है वो एक काफ़ी जो हमारे साथ कास्टर हम रहेंगे सौर कैंडीज, तो सौर कैंडी वेलकम टू द शो, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच मुकीम, वालेकुम सलाम। मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हो, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आई होप जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होंगे। PSL का आगाज़ हो चुका है, लाहौर वर्सेस कराची के जो मैचेस हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे। टीम्स काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद भी रहेंगी, और आई होप कि आपको PSL का जो फॉर्मेट है वो भी पता होगा कि जिस तरह से PSL IPL इंडिया में होते हैं तो क्रिकेट के अंदर होते हैं, पबजी का जो मैचेज़ हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर टीम्स को एक्वायर किया है सिटी के नेम से, आठ आठ टीम्स जो हैं, आई गेस 10-10 जो टीम्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मुकाबला रहेगा, देखना ये कि फाइनल्स तक कौन कौन से शहर हम लोगों को क्वालिफाई होते हुए नज़र आएंगे। तो अभी के लिए इनविटेशनल ब्रैकेट के मैचेस रहने वाले हैं, तो मैचेस काफ़ी शानदार जाएंगे। हमारे सामने टीम एगो नेक्स आईएट मौजूद रहने वाले हैं, जो कि अभी के लिए अपने होम ग्राउंड पर उतर चुके हैं, और फाइट के लिए डेफिनेटली थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को ज़रूर से मुब्तला होते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पे सारी टीम्स अपने अपने मुख्तलिफ ड्रॉप्स पे उतरी हैं, लूट अपनी मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आईएट का ड्रॉप मिलिट्री बेस है, तो यहाँ पे अपनी लूट मुकम्मल कर दी है। चारों प्लेयर्स यहाँ पे स्प्लिट पे उतरते हुए हमें नजर आए हैं, कोई सी बिल्डिंग में है तो कोई यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में है, सब अलग अलग अपनी लूट करेंगे। दूसरी जगह की टीम की बात करें तो जेन जी यहाँ पे हमें नजर आ रही है, जो कि जॉर्जियो पुल की सिटी साइट पे लूट कर रही है, और उनके पास यहाँ पे शायद राशन की सिचुएशन बन रही है बाय द टीम 7। लेट्स सी यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। और लोकेशन अपनी यहाँ पे रिवील आउट कर दी है, कुछ यहाँ पे फुटस्टेप्स भी जो है उनकी तरफ से दिए जाते हैं, प्लेयर को एग्जैक्ट लोकेशन पता है, स्मोक्स भी करवाए हुए हैं ताकि उनका जो व्यू है थोड़ा सा कवर में रहे। एम वगैरह यहाँ पे इनका सेट करना पड़ेगा, जैसे ही प्लेयर को आते हैं टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हसनी की तरफ से जैसे ही टॉमी की इस्तेमाल होती है रशन करेंगे, थोड़ा सा टफ सिचुएशन बना था और यहाँ पे जेनजी की टीम सरवाइव नहीं कर पाई और इस मैच से जो है लॉबी जाते हुए हमें नजर आ गई। जी बिल्कुल, अभी के लिए पहला स्क्वाड लॉबी की रास्ते जो राबी लॉबी के दाने जो हम लोगों को पूछता है वो देखने को जरूर से मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन फाइट रहेगी। दूसरी तरफ टीम रेज के प्लेयर्स की बात करें तो अभी के लिए पुछिंकी के अंदर हम लोगों को अभी के लिए फाइट के अंदर मुब्तला होते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर एक किल उनके पास आ चुका है, लेकिन वहीं पर अपना एक प्लेयर गवा भी दिया जाता है। लेकिन दूसरी साइड पर बैक टू लिपोवका सिटी की बात करें तो TBR वर्सेज टीम क्वालिटी के प्लेयर्स आमने सामने रहेंगे। अभी के लिए TBR के प्लेयर्स यहाँ पर बाजी लेके जाते हुए हम लोगों को ज़रूर से दिखाई दे रहे हैं। एक एलिमिनेट पॉइंट अभी के लिए दानियाल के पास मौजूद है, और क्वालिटी के फ्री स्टाइलर के ऊपर थोड़ा सा जरूर से रश करने की कोशिश की जाती है। फ्री स्टाइलर यहाँ पे नेट फेंकेंगे, डैमेज पड़ता हुआ रीपर जो प्रीत जो सामने मौजूद रहने वाले थे उनको पूरी तरह से दबोच लिया जाता है, बदला लिया जाता है अपने पार्टनर का। एक एलिमिनेशन पॉइंट अभी के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगा, फ्री स्टाइलर अपनी टीम से बिल्कुल सामने मौजूद रहेंगे, लेकिन उनको नोबडी की तरफ से जो नॉक है वो निकाल दिया जाता है। जोकर बैक साइड से एक एंगल लोड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में PB बाइजन काफी शानदार रहेगी, स्पॉट रन करते हुए नोबडी के ऊपर कुछ शॉट लैंड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन निकल कर नहीं आता। अभी के लिए जो फाइट काफी ज्यादा शानदार मोड पर जा चुकी है, फ्री स्टाइलर उनको भी रिवाइव देना है, मगर अभी रिवाइव देना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते हुए बैक साइड पे जाएंगे, जोकर वहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन रैम्पेज काफ़ी शानदार तरीके से एक एंगल उनके पास अभी के लिए मौजूद रहने वाला है। तो लेट्स सी इस एंगल के साथ किस तरह से मजीद प्रेशर बनाते हुए टीम TBR को एलिमिनेट करना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे टीम क्वेटी का एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है, दूसरा प्लेयर फ्री स्टाइलर वो भी नॉक डाउन थे, घुटनों पे थे, रिवाइवल सिचुएशन उनके लिए मुश्किल ही थी, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, जोकर की हेल्थ हम देख सकते हैं काफी हद तक डाउन रहती हुई नजर आएंगी। रैम्पेज यहाँ पे ऑफ एंगल बैठे हुए, थोड़े से उनके ऊपर भी यहाँ पे रशियन सिचुएशन बन रहा है, सामने ही यहाँ पे प्लेयर है, लेट्स सी 1v1 सिचुएशन यहाँ पे प्रोन डाउन होके ले पाते हैं या नहीं ले पाते, बहुत ही प्यारा, लेकिन जैसे ही गाड़ी बीच में आती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। TBS का एक शॉट पड़ता है और रैम्पेज यहाँ से जो है एलिमिनेट हो जाती है इस मैच से। टीम क्वालिटी ने भी इस मैच, पहला मैच जो कि रेंगल था, वहां से हमें अलविदा कर चुके हैं।
जी बिल्कुल, टीम क्वालिटी के प्लेयर्स अभी के लिए अलविदा हो चुके हैं, टीम रेज के प्लेयर्स वो भी बाजी हार चुके हैं। दो एलीट टीम्स अभी के लिए यहाँ से उनको निशाना बनाया जाता है, वहाँ पे नॉकडाउन होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और फाइट हमारे सामने आते हुए, जहाँ पर टीम टीएस के प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। टीएस के दो प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनको डाउन कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ सेवंथ एलिमेंट के प्लेयर की तरफ से जो नॉक है वो निकाला जाता है, क्यू स्टार वो प्लेयर मौजूद रहेंगे। टीम मीटर शॉट का ये लाइनअप रहने वाला है, जहाँ पर हसन को खो जरूर से दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में चार एलिमिनेशन पॉइंट्स ये टीम अपने बैकपैक में लेके जाने में कामयाब हो जाती है। तो पीएसएल का आगाज़ काफ़ी शानदार तरीके से अभी के लिए हो जाता है। काफ़ी अर्ली फाइट्स हम लोगों ने ज़रूर से विटनेस की थी, लेकिन अभी भी जो ये फाइट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पेस अप है अभी हम लोगों को मज़ीद भी आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग रहने वाली है कैंडी। अभी आगे मज़ीद फाइट्स जब होंगी, वो जो लेट सर्कस की जो लेट फाइट्स होंगी, तो वो काफ़ी ज्यादा जो एक मैच का जो है वो हम लोगों को स्पाइस अप करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। एंड बग्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जो है व्हीकल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिलहाल कोई व्हीकल उनको मिली नहीं है। तो दोबारा से जो है रास्ता अपना मोड़ लिया है टीम की तरफ जाते हुए हम नजर आएंगे। टीम 25 की बात करें तो राफेलो यहाँ पे मौजूद है, व्हीकल उनके पास भी है। एंड लेट्स सी, यहाँ पे आई थिंक जो है थोड़ा सा रोटेशन ले रहे हैं ताकि जोन में अपनी जगह जो है अच्छी खासी सॉलिड जगह होल्ड करके बैठे। एंड फाइट्स वगैरह में भी इंडल्ज होना यहाँ पे टीम्स के लिए जो है एक अहम रहेगा। हर जगह यहाँ पे जो है अपनी आई घुमा रहे हैं ताकि पता चले एंगल्स यहाँ कौन से एरिया क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द टीम आरएएस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुड्डू को छत पे चढ़ के यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्कोप इन करके स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही इज ट्राइंग टू लुक आफ्टर द एनिमीज, कि अगर यहाँ पे कोई भी नजर आएगा तो अपनी पोजीशन यहाँ पे रिवील आउट नहीं करेंगे और अपनी जगह जो इन्होंने होल्ड की है उस जगह पे फिलहाल किसी को आने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, अभी के लिए काफ़ी अच्छा ये जो डिसीजन है ये रहेगा टीम आरईएस की तरफ से, कि अभी अपनी जगह को होल्ड करना है। कोई भी प्लेयर अगर आता है हाइट के ऊपर से एडवांटेज डेफिनेटली उनके पास आ जाएगा, कि उनके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टीम के पास आ जाएगी और वो जब टीम को बताएंगे तो टीम पूरी तरह से तैयार होगी, तो स्लैमिन को डेफिनेटली ज़रूर से रेजिस्ट किया जा सकता है। तो लेट्स सी इस सारी सिचुएशन में जो हम लोगों को टीम्स के प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। बैक सेट पर भी रोटेशन जो है वो जारी हो चुकी है, स्टेज वन का जोन कुछ ही देर बाद जो हम लोगों को अख्ताम पजीर होता हुआ नज़र आएगा, और टीम्स जो हैं वो जब घेरा तंग होगा तो मज़ीद एक के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आते हुए जो फाइट्स के अंदर मुब्तला ज़रूर से हो सकती हैं। तो लेट्स सी ऐसी सिचुएशन में जो फाइट्स अभी के लिए थम चुकी हैं वो किस तरह से जाएंगी। टीम आरईएस के आतिफ की बात करें, दूर गए थे, स्काउटिंग उनकी तरफ से की जाती है और बेहतरीन स्काउट करने के बाद वापस रीयूनाइट हो चुके अपनी टीम के लिए। एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर कैंडी रहेगा कि आप लोगों ने ज़्यादा बिखरना नहीं है, क्योंकि जब भी आप बिखर जाते हो आपस में तो वहीं पर आप लोगों के ऊपर जो एलिमिनेशन है वो निकाल दी जाती हैं। यूनिटी स्ट्रेंथ हमने ये किताबों में भी पढ़ा था और पबजी में भी जब वही रूल जो है वो अप्लाई होता है कि अगर आप बिखर जाओगे तो प्लेयर्स आपका फायदा उठाएंगे और उस जगह पे आप लोगों के ऊपर जो एलिमिनेशन है वो निकाल देंगे और उसके बाद आपकी टीम जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करना है कि जल्दी एलिमिनेट नहीं होना, क्योंकि लाइन पे जो है वो 150-1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो स्टेक पर लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो जो चंक्स हैं वो आप लोगों ने अपनी टीम के लिए सिक्योर करने हैं। बिल्कुल, प्राइस पूल भी यहाँ पे जो है तगड़ा है, तो टीम्स को बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे खेलना पड़ेगा, फाइट्स में भी इंडल्ज होना पड़ेगा। लेकिन दोनों जो चीजें हैं, फाइट्स एज वेल एज जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है, उन दोनों को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। टीम आरडी की बात करें तो यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकडाउन किया था, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे गाड़ी से टेक डाउन किया जाता है। बैक टू बैक यहाँ पे दो प्लेयर्स को डाउन किया है, एक बंदा लेकिन अपना यहाँ पे गवा दिया है। यहाँ पे फाइट होती हुई नजर आएंगी, पिंक पैन को देखा जाए हाफ एचपी के साथ यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश की है, बहुत ही प्यार है यहाँ पे नॉक उनके साइड से निकलता है। हसन एमवीपी यहाँ पे टेक डाउन हो जाता है। एक लास्ट बंदा जो टीम सेवन का बचा हुआ है वो गाड़ी लेके जो है अपनी टीम से थोड़ा सा दूर निकल गया है एंड थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखने की उनकी तरफ से यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है। टीम 22 की बात करें तो चारों प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। पेनी की बात करें तो यहाँ पे बग्गी लेके जा रहे हैं, लेकिन सामने ही यहाँ पे उनकी राइट साइड पे एक और टीम मौजूद है जो कि हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा वो लोग भी स्काउट कर रहे हैं और अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू द टीम एगोन एक्साइट, यहाँ पे बग्गी लेके जो है रिज के ऊपर जा रहे हैं।
खुद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड एंड करने की कोशिश करेंगे, इनके नीचे ये जो बार्न हाउसेस है उनको देखेंगे, इफ दैट एरिया इज गोइंग टू स्टे क्लियर वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या ही बात है, यहाँ पे आईक्यू जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, रेड डॉट के इस्तेमाल से डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे, जो स्ट्राइक दे रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे अपने ही प्लेयर को स्पॉट डाउन कर रहे थे, एंड आई थिंक वाज जस्ट ट्राइंग, देख दिखा रहे थे हमें कि मेरा यहाँ पे जो है रेड डॉट किस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूँ विद नो रिकॉइल एट ऑल। जी बिल्कुल, अपने ही दुश्मन जो है वो उन्होंने टूरिज्म ने अपनी टीम में रखे हुए थे, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि फ्रेंडली फायर अगर ऑन होता तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉकडाउन हो सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेट रहेंगे कि वहाँ पे फ्रेंडली फायर ऑन नहीं था, जिसकी वजह से प्लेयर जो वो इस तरह का फीचर पबजी में है भी नहीं कि आप अपने प्लेयर्स को डाउन करते हो डाउन कर सकते हो। लेकिन टीम एगोनेक्स 8 अभी के लिए हम लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक अच्छी जगह पर हम लोगों को दिखाई दे रही थी। टीम 14 के प्लेयर्स की बात करें तो ST का ये लाइनअप रहेगा, जहाँ पर इनकी तरफ से भी जो रोटेशन का आगाज़ है वो हो चुके हैं, और चारों के चारों प्लेयर्स अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद भी रहेंगे स्टार्टिंग के अंदर ही। कैंडी इनके पास काफ़ी बेहतरीन नंबर ऑफ़ किल्स आ चुके हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे इस नंबर ऑफ़ किल्स के साथ वो जो कॉन्फिडेंस आ चुका है वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो सेवन ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो आखिरी सर्वाइवल रहेंगे, जो कि मिथी रहने वाले, लेकिन टीम एगोनेक्स 8 के प्लेयर स्पॉट डाउन करते हुए उनके ऊपर शॉट लेंगे। मिथी काफ़ी कम HP के ऊपर आ चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता टीम एगोनेक्स 8 क्लोज इनकाउंटर करने की कोशिश करेगी, और वहाँ पर मिथी को भी जो है वो लॉबी का रास्ता दिखा दीजिए, अगर वहाँ पर दिखा भी दिया जाता है उज़म का एक प्रिसाइज नेट जाता हुआ वो वजह बनेगा, और टीम एगोनेक्स 8 अभी के लिए अपना किल का खाता वो खोल देती है, एक एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास आ जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, एक परफेक्ट ग्रेनेड थ्रो किया जाता है उज़म के साइड से और वो किल पॉइंट भी यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। तो यस, अपना यहाँ पे जो है पहले पॉकेट में एक किल सिक्योर करते हुए नजर आ चुके हैं। अब देखेंगे कि मैच एंड तक यहाँ पे एगोनेक्स 8 के टोटल कितने किल्स बनते हैं, लेकिन अगर बात की जाए टीम 14 यहाँ पे स्ट्रीट थग्स की बात करें तो यहाँ पे इनकी फाइट में इंडल्जमेंट होते हुए नजर आ रही है। पटेटू जो है एक किल के साथ नजर आ रही है, अच्छे खासे यहाँ पे 5 किल सिक्योर करके ये टीम हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करते हैं, जैसे ही डैमेज देते अपना एंगल चेंज करते अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एग्जैक्टली नोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स। यहां पे मास्टर की बात करें, 2 किल्स इन्होंने अपनी बैकपैक में सिक्योर किए हैं, 2 प्लेयर्स यहां पे बैक एंड पे इनके नॉक डाउन है, एंड मास्टर अगेन स्मोक्स में जो है रैंडम फायर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिसको नॉक दिया है यहाँ पे उनकी किल्स सिक्योर करे और भी पॉइंट्स यहाँ पे एडअप करने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के बैकपैक में। एंड इफ यू टॉक अबाउट बनी, बनी यहाँ पे छोटे से कवर मौजूद है उनके पास, बैक टू बैक कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही प्लेयर को स्पॉट डाउन करते हैं वैसे यहाँ पे ट्रेसिंग करते हुए स्कोपिन एंड कार ट्रेसिंग करते हुए बुलेट्स भी रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर जो है थोड़ा सा अपने आप को कवर में रखने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अभी के लिए सॉलिड कवर्स के अंदर हम लोगों को जो प्लेयर्स हैं वो वैनिश होते हुए देखने को मिल जाते हैं ज़रूर से, और एक अच्छा डिसीजन उनकी तरफ से लिया जाता है कि फाइट को डिसंगेज करें, मज़ीद अपने प्लेयर्स उनको नहीं गंवाना। आपने अभी स्टार्टिंग है, अभी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीम्स सर्वाइव कर रही हैं, और आप लोगों ने कोशिश करना है कि किल्स के साथ साथ प्लेसमेंट पॉइंट भी निकालने, और प्लेसमेंट पॉइंट तभी आएंगे जब आप अपनी फाइट्स को डिसंगेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन जो है वो हम लोगों को हर टीम की तरफ से अभी के लिए देखने को मिल, के ज्यादा इंटेलिजमेंट नहीं करनी, जो अर्ली फाइट्स हो चुके हैं वो बस हो चुके हैं, उसके बाद मजीद फाइट्स अगर आप लोगे तो वो आप लोगों को काफी मुश्किलात भी बरपा कर सकती हैं। टीम RST के प्लेयर्स एक दफा फिर से हम लोगों को फाइट के अंदर जरूर से देखने को मिल रहे थे। किल फीड के अंदर हम लोगों ने देखा कि RST के प्लेयर्स थोड़ा सा किल्स वो निकाल जरूर से रहे, और उनकी तरफ से जिस तरह से स्टार्टिंग हो चुकी है वो चाहेंगे भी कि आगे भी इसी तरह से जो परफॉर्मेंस है अगली टीम्स उनको दबोचा जाए और अपने लिए पहले मैच से ही जो एक मोमेंटम है वो सेट कर लिया जाए। तो टीम RST के प्लेयर्स किस तरह से मजीद खेलेंगे, अभी के लिए RST के प्लेयर्स जोन के बाहर हैं। जोन की बात करें तो अभी के लिए साउदर्न साइड पर वेस्टर्न साइड पर ही रहेगा, लेकिन साउदर्न साइड पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है जहां पर टीम एगोनेक्स 8 पूरी तरह से जोन का सेंटर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। फलक अपनी टीम से जरूर से दूर रहेंगे, लेकिन वहीं पर जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो काफी बेहतरीन एंगल पर भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं।
वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो इम्पैक्ट के प्लेयर्स, एसडीई के प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि जोन का बिल्कुल एक एज होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा डेफिनेटली थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस इनकी तरफ से ज़रूर से रहेगा कि ज़्यादा अग्रेस नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ एनईजी के प्लेयर्स ये यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि फ़ाइट में इंडल्ज किया जाए। अब्दुल्ला जो कि आगे गए थे, लेकिन उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। टीम आरवीजीएस के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद ज़रूर से रहेंगे। सॉफ्ट किलर की बात करें तो वो अपनी टीम के लिए थोड़ा सा फ्रंट लाइन पर लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स उनको एलिमिनेट होने से जरूर से बचाए जाएंगे। वोटर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे, आरजेएस के वोटर्स के ऊपर एक नेट दागा जाता है, लेकिन रिटेलिएशन में सॉफ्ट किलर उनके ऊपर भी एक नेट आता हुआ काफी कम एचपी के ऊपर मौजूद रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला उनको बचाने में कामयाब नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड आउट होते हुए उनको जो है अब यहाँ से फॉल बैक करना पड़ेगा। और सॉफ्ट किलर मौके का फायदा उठाते हुए अपने व्हीकल में गेट इन करेंगे और वहीं पर जगह को छोड़ दिया जाता है रिट्रीट करने के बाद। अब ये टीम टू मैन स्टैंडिंग जरूर से रहने वाली है, लेकिन हर टीम की नजर उनके ऊपर मौजूद रहेगी। कुछ डैमेज दिया जाता है लेकिन उनके ऊपर नहीं आएगा, गाड़ी को डैमेज देने की कोशिश की जाती है ताकि अगर स्पीड कम होती है तो वहां पर सॉफ्ट किलर उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। बिल्कुल यहाँ पे एलिमिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम 10 की अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे फिलहाल इन्होंने पोजीशन होल्ड की है, जोन के बिल्कुल एच पे रहते हुए हमें नजर आएंगे। एंड यहाँ पे अगर सॉफ्ट किलर की बात करें, यहाँ पे खुद को नॉक करवा देते हैं। रिवाइवल सिचुएशन थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही है, नॉक डाउन हुए हैं लेकिन उसी एरिया में यहाँ पे फिनिश ऑफ भी हो सकते हैं। यस, सॉफ्ट किलर यहाँ पे टेक डाउन किए जाते हैं, वैसे यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाते हैं। टीम नेगेटिव की बात करें तो दो प्लेयर्स इनके एलिमिनेट हो चुके हैं, 3 मैन ने ज्वाइन किया था, आउट ऑफ विच 2 प्लेयर्स इनके एलिमिनेट हो चुके हैं। एक सोलो प्लेयर सरवाइव करेगा और वो भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा कि एंड जोन तक यहाँ पे उनकी तरफ से सर्वाइवल हमें नजर आए। एंड टीम 24 की बात करें, टीम आरडी अगेन तीनों प्लेयर्स इनके भी एलिमिनेट हो चुके हैं, एक लास्ट प्लेयर रहता है जो कि सर्वाइव कर रहा है। इनके पास यहाँ पे नॉक निकल सकता है, लेकिन पहले अगर नॉक एंड फिनिश करने की कोशिश करे तभी जाके उनकी तरफ से फायर दिया जाएगा, अदरवाइज डिसीजन अभी तक देखो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूजन में है कि मैं दू नॉक या ना दू, क्योंकि उनके सामने यहाँ पे तकरीबन 2 टीम्स ऐसी रहती हैं जिनको उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा और एंड में ही यहाँ पे जो है विंग की नॉक एंड फिनिश होते हुए हमें नजर आएंगे, बिकॉज एज इज सर्वाइविंग एज अ सोलो प्लेयर। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो है गन पावर की जगह यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम यूज करके सर्वाइवल पे जाने की कोशिश करते हुए हमें नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अभी के लिए सर्वाइवल करने की कोशिश में कामयाब थोड़ा सा हो चुके हैं। दूसरी तरफ बात करें तो हम लोगों को टीम एक्स के प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स अभी भी स्टिल मौजूद रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि अपने आप को मज़ीद आगे भी लेके जाया जा सके, लेकिन स्टिल अभी के लिए जोन के थोड़ा सा बाहर रहने वाले। और वहीं पर टीम आरईएस के प्लेयर्स भी मौजूद रहने वाले हैं, तो उनका जोन में जाने का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर से हो सकता है, लेकिन देखना यह कि किस तरह से अपने आप को जोन के अंदर लेके जाएंगे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर से रहेगा, लेकिन उस चैलेंज में क्या ये कामयाब हो पाएंगे वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है और उसका जवाब वो भी हम लोगों को कुछ ही देर में देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। अभी भी टीम्स की जो फाइट है वो हम लोगों को जरूर से चलती हुई नजर आ रही है, हर टीम कोशिश करी कि वो पहले एक बेहतरीन एंगल को होल्ड करे और उसके बाद ही जो फाइट्स हैं फाइट के अंदर इंगेज जरूर से किया जाए। वीजी फ्लिकर की बात करें तो 0 को स्पॉट ऑन करते हुए कोई डैमेज देने की कोशिश जरूर से रहेगी, लेकिन अभी तक के लिए वो जो है वो कोई भी नॉक निकालने में कामयाब नहीं होते, लेकिन स्टिल फ्लिकर जो है किल फीड के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। टीम एसटी के प्लेयर्स 7 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ अभी के लिए यहाँ पे मौजूद है, जोन के काफी ज्यादा एक अच्छे एंगल पे मौजूद रहेंगे, लेकिन 7 एक्स के प्लेयर्स यहाँ पे जो मीटर टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स जो कि मौजूद हैं, टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स कवर्स का भी इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल कवर डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती और टीम एसटी अपना काउंटर 9 पर लेके जाने में कामयाब हो जाता है। अभी के लिए सबसे डेडली स्क्वाड जो है इस लॉबी के अंदर वो टीम एसटी के जो प्लेयर्स है वही साबित हो रहे हैं। कैंडी हर तरफ से जो डोमिनेशन के एक जो जो हम लोगों को सीट है वो उसको आगे लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। डोमिनेशन अब देखना है कि मजीद आगे कितना लेके जाएंगे, क्योंकि जितना आगे जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन सख्त होगा और उस कंपटीशन के बाद आप लोगों के भी ऊपर जो एलिमिनेशन है वो ज़रूर से निकाले जा सकते। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा स्लो हो जाना है, जितना आपने फास्ट होना था वो आप लोग हो चुके हो, अब थोड़ा सा आपका स्लो होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर इसी तरह की पेस अगर आपकी रही तो बाकी सारी टीम ज़रूर से आपका वजह बन सकते हैं आपके एलिमिनेशन का। बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट जो प्लेयर जो है बल्कि 2 प्लेयर सरवाइव करेंगे, फ्लिकर भी यहाँ पे मौजूद है और लेकर मोटू है,
तो दो प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। लेट्स सी डेडली डुओ यहाँ पे साबित हो पाता है इनका या नहीं। टीम 20 की बात करें, यहाँ पे सोलो प्लेयर विद नो नेम है, तो आई डोंट एक्जैक्टली नो कि ये प्लेयर कौन है, लेकिन इनकी बात करें तो ये भी सोलो सर्वाइव कर रहे हैं। शैक में अपनी पोजीशन होल्ड की थी बट ही कुडंट सर्वाइव। यहाँ पे एमवीपी की बात करें, खुद को यहाँ पे हील अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन अगर जोन की बात करें तो यहाँ पे इतना ओपन जोन बना है कि हर टीम के लिए स्पॉट डाउन होना बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, और हार्ड कवर्स यहाँ पे जो ढूंढेंगे वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल तो फेस करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है यहाँ पे टीम्स को। आईएच की बात करें तो यहाँ पे किल सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं, 3x का स्कोप इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की जा रही है आईक्यू की तरफ से। 4 किल्स इन्होंने अपने बैकपैक में सिक्योर किए हैं, अपने सामने यहाँ पे स्मोक करवाने की कोशिश की जा रही है आउट ऑफ द जोन, या जो अपना बैक एंड प्लेयर कह रहे हैं आउट ऑफ द जोन यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट डाउन कर रहे हैं। सामने एक टीम है, उनको यहाँ पे पता है रॉक पे चढ़ के यहाँ पे किल सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। स्मोक में एक प्लेयर था लेकिन उनको एलिमिनेट किया जाता है दूसरी टीम की तरफ से। मोटू की बात की जाए तो मोटू यहाँ पे एक किल के साथ नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे कवर अपने आप को कवर में रखने के लिए स्मोक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। नाउ ही नीड्स टू मेक अ डिसीजन टू मूव इनटू द जोन, क्योंकि जोन तो यहाँ पे फिलहाल उनके पास रहता है, लेकिन जिस तरह इनकी व्हीकल थोड़ी सी डैमेज हो गई है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए कॉज करती हुई हमें नजर आएंगी। आगे यहाँ पे इन्होंने स्मोक करवाया हुआ है, आई थिंक ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ लूट, तो अगर ये लूट के लिए करवा रहे हैं स्मोक, या तो गाड़ी जो पहले से फटी हुई थी दूसरी एनिमी की उसको भी एज अ कवर यहाँ पे जो है इस्तेमाल करवाते हुए हमें नजर आएंगी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट CN, तो यहाँ पे 2 किल्स के साथ नजर आ रही है पूरी टीम के, यहाँ पे टोटल 5 एलिमिनेशंस है। रैंडम फायर देने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द रेड साइड, इन केस यहाँ पे कोई प्लेयर अगर होता तो अगर बुलेट्स रजिस्टर हो जाती तो एक नॉक उनके साइड से निकलता। जोन की बात करें तो फेरी पेयर के नॉर्दर्न साइड पे यहाँ पे टुवर्ड्स द रेड जोन बनता हुआ हमें नजर आ रहा है क्वेरी और फेरी पेयर की साइड पे, तो बिल्कुल ओपन जोन है। कुछ ही कंपाउंड यहाँ पे जोन में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर एक्स का पीका यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। इजीली रिवाइव हो सकते हैं यहाँ पे जो कि कवर में मौजूद है एंड अपने प्लेयर के सामने ही नॉक हुए थे, तो रिवाइव देना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी फॉर द टीम। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी उनको रिवाइव देने में, और रिवाइव देने के बाद डेफिनेटली उन्हीं का फ़ायदा रहेगा। टीम के जो प्लेयर्स हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा मैन पावर का एडवांटेज जो है वो उठाते हुए ज़रूर से देखने को मिल सकते हैं। फाइट्स की थोड़ा सा जो पेस थी वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, अब टीम्स की थोड़ी सी थम चुकी हैं, वो ज़्यादा नहीं चाहेंगी फाइट के अंदर एग्रेस करना। सिर्फ और सिर्फ वो टीम जो कि ज़्यादा ओपन में रहने वाली है उनकी तरफ से जो ऊपर उनके ऊपर जो एलिमिनेशन है वही सिर्फ निकालते हुए हम लोगों को ज़रूर से देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ बात करें तो मांबा यहाँ पर मौजूद है, हाथ में उनके नेट रहने वाला, सामने से प्लेयर्स आते हुए व्हीकल के साथ एग्रेस करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही स्लैमिन करते हैं मांबा का एक बेहतरीन को नेट जाता है, दो प्लेयर्स को घुटने टेकने में मजबूर कर देते हैं, और देखते ही देखते एक और स्क्वाड पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी तरफ पीबी के वाकिफ आरआईपी की बात करें तो वो फाइट के अंदर मौजूद रहेंगे, नेट का इस्तेमाल करते हुए अभी के लिए यहां पर मौजूद है। बैक साइड से टीम है गो नेक्स्ट, आईएट के प्लेयर्स भी यहां पर आते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। उजम काफी ज्यादा डैमेज देते हुए ब्लेडी को लो करते हैं, लेकिन वो कवर का फायदा इस्तेमाल करते हुए जो है वो बैक साइड पर अपनी हील को रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। डिप अभी के लिए मौजूद है इनके पास, पीबी के प्लेयर्स के पास डिप थोड़ा सा आपको फायदा तो पहुंचाएगी, लेकिन डिप का एक नुकसान भी होता है कैंडी, जब आप नेड आता है तो इजीली वो रास्ता बनाते हुए जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे नॉकडाउन हो जाते हैं। लेकिन टीम एगो नेक्सा ये तो वो फाइट ले रहे हैं, टीम पीबी के प्लेयर्स दो तरफा जो फाइटर्स के अंदर मुबतला होंगे। बैक साइड पर आर टीम आरएसटी के प्लेयर्स भी मौजूद रहने वाले जो कि प्रेशर बना रहे हैं। टीम एगो नेक्सा ये वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाली है, मां बाबी के फ्रंट लाइन पर रहेंगे, जहाँ पर टीम एगो नेक्सा के फलक सामने रिसीविंग एंड पे मौजूद जरूर से हो सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्टाइल अच्छा जाता है फलक इस नेट से नॉकडाउन जरूर से हो सकते थे, लेकिन फलक काफ़ी फॉर्चुनेट रहेंगे कि अभी तक कोई भी नॉक उनके ऊपर नहीं निकाला जाता। टीम है गो नेक्स्ट ये टबी के लिए यहाँ पे फलक जो कि थोड़ा सा बूस्टर्स का इस्तेमाल करते, लेकिन मांबा का एक नेड आता वो उनको लो एचपी पे लेके जरूर से जाता है, लेकिन फलक अब यहाँ पे रिकवर करना चाहेंगे अपनी हेल्थ। लेकिन वापस से मांबा का एक नेड आता हुआ, कहर बरसाता हुआ, फलक अभी के लिए डाउन हो जाते हैं। टीम आर एस टी बैक साइड पर हम लोगों को अपना जो एक एग्रेशन है वो जरूर से यहाँ पे दिखाती हुई नजर आती है, लेकिन रिटेलिएशन के बीच में टोनी आरआईपी वो भी यहाँ पे नॉकडाउन जरूर से हो जाते हैं। टीम आरएसटी अभी के लिए बैक साइड पे मौजूद है, दो प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं। टीम वीजी के प्लेयर्स वो भी यहाँ पे जरूर से मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन टीम एगो नेक्सा ये अगर वीजी के प्लेयर्स एग्रेस करते हैं तो टीम एगो नेक्सा के प्लेयर्स को यहाँ पे जरूर से नॉकडाउन किया जा सकता है, लेकिन उनका अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर टीम एगो नेक्सा का अंदाजा उनको नहीं लगता तो टीम वीजी भी यहाँ पे घुटने टेकते हुए लॉबी जरूर से जा सकती है। तो लेट्स सी उनको किस तरह से जो अंदाजा वो यहाँ पे रहेगा। ओपनर्स का टीम आरएसटी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर जो नॉक है वो जरूर से निकाले जाते हैं। टीम आरएसटी गोकू ला सर्वाइवल बचेंगे, लेकिन उनको भी टीम पीबी की तरफ से जो एलिमिनेशन है वो निकाल दिए जाते हैं, और अब वी आर नाउ टू टॉप 5 टीम्स।
बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 5 टीम्स रहती हैं। बहुत ही प्यारा नीड आता है मोचे को, यहाँ पे टेक डाउन किया जाता है फलक जो कि 0 HP पे रहेंगे। खुद को यहाँ पे हीलअप करने की भरपूर कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। ब्लेडी की बात करें तो 2 किल्स इन्होंने अपने बैक पैक में सिक्योर किया है, अपना बैक यहाँ के जोन के फुल क्लियर कर दिया है। फलक की बात करें तो यहाँ पे बग्गी को मारते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी यहाँ पे स्मोक्स में जा रहे हैं, एग्जैक्टली इनको पता चल गया है लोकेशन के, यहाँ पे 2 प्लेयर्स रहते हुए नजर आएंगे। क्या सीन हो रहा है यहाँ पे एंड क्या सिचुएशन बनेंगी। फलक ने 1 प्लेयर जो नॉक डाउन कर दिया है फ्लिकर को, तो यहाँ पे बहुत ही जो है क्रूशियल यहाँ पे रहा है टीम वीजी के लिए सर्वाइव करना। और जिस तरह से गाड़ियों में आ चुके हैं, ऑफ कोर्स 1 प्लेयर उनका ऑलरेडी नॉक डाउन था, लेकिन फ्लिकर भी वैसे ही गाड़ी में आ जाते हैं, तो टीम वीजी एलिमिनेट होते हुए नजर आ गई है। लेडी यहाँ पे रहेंगे 4 किल्स जो है टोटल इस प्लेयर के पास, फिलहाल 2 किल्स मौजूद है। एंड 1v1 की यहाँ पे देखें तो फलक भी 2 किल्स के साथ नजर आ रहे हैं, ब्लेडी भी 2 किल्स के साथ, और दोनों की HP भी थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि एक जैसी ही रहेंगी। बूस्ट अप करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे ब्लेडी नॉक आउट जाते हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पे टेक डाउन किया जाता है। फलक यहाँ पे फुल जो है रश के मूड में लग रहे हैं। एंड क्या सीन है यहाँ पे मैग्नसिस की बात करें तो यहाँ पे अपने जो है प्रोन होके बैठे हुए हैं। बहुत ही टफ सिचुएशन रहेगी थोड़ी सी यहाँ पे सर्वाइव करना अगेंस्ट द टीम आउट ऑफ द जोन। यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आए हैं टीम एगोन एक्साइट, यहाँ पे अपनी टीम के लिए पहले मैच का चिकन डिनर अपने बैक पैक में लेती हुई हमें नजर आई है मुख्य। जी बिल्कुल, टीम एगो नेक्साइट 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ दिस PSL का पहला मैच कंकर करते हुए ज़रूर से देखने को मिल जाते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एग्रेशन जो है उनकी तरफ से हम लोगों को ज़रूर से देखने को मिला था, और उस एग्रेशन को डेफिनेटली कोई भी टीम फुल स्टॉप नहीं लगा सकी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे टीम एगो नेक्साइट के इस मैच में कैंडी यही लगी थी कि उन्होंने सिर्फ उसे जोन ओरिएंटेड गेम प्ले दिखाई है, अर्ली फाइट्स पे नहीं गए वो। लेकिन वहीं पर जब सारी टीम जोन के अंदर आ रही थी, उनके पास एक ऐसा एरिया मौजूद रहने वाला था जहाँ पर हर साइड से वो स्पॉट कर सकते थे, और जितने प्लेयर्स ओपन में आए थे वहाँ पर ज़रूर से उन्होंने किल्स निकाले थे, और वहीं पर टीम एगो नेक्साइट जरूर से यहाँ पे चिकन डिनर लेके चले गए थे। टीम PB के प्लेयर्स हमने देखा था कि 4 प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मल्टीपल फाइट्स के बीच में जब प्लेयर्स मुबतला होते हैं तो आपके जब प्लेयर्स डिवाइड हो जाते हैं आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो वो आप लोगों के एलिमिनेशन का जरूर से जो वजह है वो बनती है, और उसी कारण उसी वजह के तहत जो है टीम PB के प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर टीम RST को हमने देखा था क्या ही शानदार तरीके से स्टार्टिंग पे लेके गए थे, लेकिन जैसे जैसे जोन के अंदर जा रहे थे वहाँ पर उनके ऊपर भी एलिमिनेशन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कैंडी ये पहला मैच था, अभी टीम सिर्फ और सिर्फ लॉबी की गर्माहट देख रही थी, लेकिन क्योंकि आज सिर्फ 3 ही मैचेस खेले जाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को सब्र और तहम्मुल नहीं दिखाना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले मैच से ही अपना जो एग्रेस जोन ओरिएंटेड प्लेसमेंट पॉइंट किल पॉइंट सब पे वर्क करके अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए अगली स्टेज पे जो है वो जरूर से काम करना है। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ 3 मैचेस रहेंगे, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देखेंगे कितनी टीम्स आगे किस स्टेज पे मूव इन करती हुई हमें नजर आएंगी। कुछ टीम्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होना काफी ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जिस तरह के उनके रोस्टर्स हैं इजीली यहाँ पे जो है उनकी तरफ से क्वालिफिकेशन निकल सकता है। लेकिन जो टीम के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़े से चेंज हुए हैं या नए प्लेयर्स को एड इन किया है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है, या तो जिनको जो है न्यू मेटा या स्ट्रेटजीज की थोड़ी सी आइडिया ना हो, या उन्होंने इस तरह की लॉबीज खेली ना हो, तो उनके लिए आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा सर्वाइव करना और यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन में अपनी जगह बनाना। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर से होगा, लेकिन ख़वातीन आज़ाद ये था लाहौर वर्सेस कराची का पहला मैच। अगले मैचेस में बढ़ने से पहले मैं और कैंडी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, जिस तरह से आप लोगों से वादा किया था कि छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे, दिस इज़ मोकी ऑन कास्टर डेस्क। और आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए फिर से मेरे साथ मौजूद हैं कैंडी। तो कैंडी वेलकम बैक टू द शो, क्या हाल है? PSL का पहला मैच काफ़ी शानदार तरीके से टीम एगोन एक्साइट ने विटनेस कर लिया, तो अगले मैचेस में बढ़ने से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि टीम्स अब हम लोगों को किस पेस के साथ खेलते हुए नजर आएंगी? थैंक यू सो मच बोके इतने अच्छे वेलकम के लिए। और बिल्कुल मेरे हाल तो यहाँ पे थोड़े से क्यूरियोसिटी में गुजर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन सी टीम इस मैच का चिकन डिनर करेगी। तो पहले मैच में हमने देखा था सारी टीम्स ऐसे जो सेमी प्रो टीम्स भी थी वो भी इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आए थे, किल्स तो उनके बैक पैक में भी अच्छे खासे सिक्योर किए हुए थे, लेकिन चिकन डिनर जो है टीम I8 ही अपने बैक पैक में लेके गई है। तो सेकेंड मैच का भी मैं सूरत हाल देखना बहुत अच्छी तरह से पसंद करूंगी। यहाँ पे अगर प्लेन पाथ की बात की जाए तो प्लेन पाथ यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ द जोन एल्पोजो, यहाँ पे टोरे अल्मोडो के साइड पे जोन बनता हुआ नजर आएगा, मिनास डेल्वे भी यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, वैले दिलमार भी यहाँ पे जो है प्लेन पाथ की साइड पे रहेगा। और पहला जोन मुझे लगता है कि राइट हैंड साइड पे जो हमारा ईस्टर्न साइड है उस साइड पे जाएगा। लेट्स सी इफ माई जोन प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वन और नॉट। जी बिल्कुल, देखना पड़ेगा कि टी जोन की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से रहने वाली है, और वहीं पर जोन एक वेस्टर्न साइड का शिफ्ट पे जाता हुआ देखने को मिल जाता है, और टीम्स को ज़्यादा मुश्किलात नहीं रहेगी क्योंकि जहां पर प्लेन पाथ था उसी के अराउंड जोन की फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। और अभी के लिए हर टीम थोड़ा सा डिस्पर्जन ज़रूर से चाहेगी, लेकिन क्योंकि ये जो मैचेज रहेंगे कैंडी ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिस तरह से हमने देखते हैं कि वैसे एक जब रेपिटिशन आती है तो रेपिटिशन में प्लेयर्स को पता होता है कि पहले ड्रॉप क्लैश यहाँ पे रहने वाला था, तो उसी के साथ जो टीम्स है वो फिर से फाइट के अंदर मुबतला होंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ टीम एगोन एक्साइट के उज़्म अर्ली स्टेज में ही नॉकडाउन हो जाते हैं, तो अभी के लिए कड़ा इम्तिहान डेफिनेटली ज़रूर से रहेगा टीम एगोन एक्साइट का, जो अपने प्लेयर्स को उन्होंने बचाना भी और वहाँ पर रिटेलिएट भी करना है। उज़्म नहीं रहेंगे यहाँ पर, दो उज़्म रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे लिए ज़रूर से रहने वाली है कि देखना ये कि असली उज़्म कौन सा वाला है, और यहाँ पर जो दूसरा आई गेस वो जो है वो क्रिप्टो ही रहने वाले हैं, जो एक उज़म होगा एक क्रिप्टो रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ फलक अपनी टीम के लिए एक पहला एलिमिनेशन भी सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, और RES ये टीम रहेगी जहां पर ड्रैगो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, आतिफ अभी के लिए नॉकडाउन रहेंगे लेकिन उनकी भी कंफर्मेशन हो जाती है। अब गुड्डू और राजू ये दो डुओ में सर्वाइव कर रहे हैं, और टीम एगोन एक्साइट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए इनको नॉकडाउन भी करना चाहेगी, लेकिन राजू अपनी लोकेशन दे देते हैं M762 के साथ यहाँ पर रिटेलिएट करना चाहेंगे, लेकिन टीम एगोन एक्साइट ऑल इन वन आगे बढ़ते हुए नॉकडाउन करते हुए हम लोगों को जरूर से देखने को मिल सकती है। लेकिन राजू यहाँ पर हमसे 762 का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से डैमेज देते हैं, फिर से फलक को यहाँ पर रिसीविंग एंड पर मौजूद रहेंगे, और फलक अभी के लिए डाउन कर दिया जाता है, लेकिन राजू यहाँ पर स्टिल लड़ना चाहेंगे, शॉर्ट गन उनके हाथ में मौजूद है, ये का डैमेज बुलेट भी कनेक्ट करती है, तो वहाँ पर प्लेयर जरूर से नॉकडाउन हो सकते थे, लेकिन राजू का गुड्डू काफी ज्यादा दूर रहने वाले थे, तो उसी का नुकसान उसी का खुमियाजा भुगत देते हुए ये टीम अपने तीन प्लेयर्स गवा देते हैं, और गुड्डू RD के बुजेट को स्पॉट डाउन करते हुए वो एक अलग फाइट एक अलग जंग जो है वो यहाँ पे जरूर से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स अभी के लिए तीन एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने बैकपैक में सिक्योर करने के बाद यहां पर मौजूद हैं, रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन RES के गुड्डू जो कि आखिरी सर्वाइवल मौजूद रहेंगे, टीम RD ऑल इन वन यहां पर आते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुड्डू उठेंगे शॉट डाउन करने की कोशिश, लेकिन बैक साइड से RD के पेंगमैन अपने AKM का जलवा करते हुए यहाँ पर जलवा करोंगे, और वहीं पर टीम गुड्डू की जो टीम है वो पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर दी जाती है, लेकिन अभी भी टीम RT के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे जो कि घात लगाए हुए टीम RD को एलिमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि कोई भी बुलेट्स वो कनेक्ट नहीं हो पाती।
ओके गाइस, तो दूसरी दफ़ा अगर हम लोग बात करें तो TBR के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अभी के लिए चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए अपने लूट उसको एक्वायर करते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि बेहतरीन तरीके से जो लूट है उसका जो एक उसको जो डेफिनेटली स्पॉट करते हुए लूट करते हुए जो है हम लोगों को आगे फाइट में ज़रूर से मुबतला होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी ये टीम कितने जल्दी जो है अपनी लूट का जो है वो सफ़र कम्प्लीट करते हुए उसके बाद हम लोगों को फाइट के अंदर मुबतला होते वे जरूर से देखने को मिल सकती है। लेकिन टीम 7X के प्लेयर्स अभी के लिए फाइट के अंदर हम लोगों को देखने को जरूर से मिलेंगे। किल फीड के अंदर टीम 7X कुछ किल्स जरूर से उठा रही है, तो देखना है कि टीम 7X किस तरह से मजीद हम लोगों को बेहतरीन एग्रेशन करते हुए नजर आएंगे। टीम क्वालिटी के प्लेयर्स की बात करें तो अभी के लिए सैन मार्टिन के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर फ्री स्टाइलर की तरफ से एक 1v4 जो है वो सिक्योर करते हुए हम लोगों को जरूर से दिखाई दिया जाता है। और 3 किल्स करने के बाद फ्री स्टाइलर और जोकर ये टीम पूरा का पूरा स्क्वाड जो कि सैन मार्टिन के अंदर आया था वो भी एलिमिनेट हो जाता है। तो ये टीम 4 एलिमिनेशन के साथ अभी के लिए आगाज़ तो लेके जा चुके हैं, लेकिन देखना ये कि मजीद आगे किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात हमने पहला मैच देखा था टीम क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं खेल सके थे। वो जो एक प्लेयर्स आए थे हम लोगों को लिपोफा के अंदर देखने को मिले थे ड्रॉप क्लैश के अंदर, टीम क्वालिटी उस ड्रॉप क्लैश को हार जाते हैं और वहीं पर अपना पहला मैच जो है एक अर्ली एग्जिट लेके जाने कामयाब हो चुके थे। लेकिन अब देखना ये है कि टीम क्वालिटी इस मैच में किस तरह से जो आगाज़ है वो लेके जाएंगे। बिल्कुल, फर्स्ट मैच में बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी एंड इस मैच में चारों प्लेयर्स ऑन फुट है, चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं, 4 किल्स भी जो है अपनी टीम के लिए यहाँ पे सिक्योर किए हैं। आई थिंक यहाँ पे 1v3 सिचुएशन हुई थी फ्री स्टाइलर की, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मैच किस तरह से गुजरता है फॉर द टीम क्वालिटी। इफ़ यू टॉक अबाउट द टीम एक्सटी, तो दानियाल यहाँ पे अपनी व्हीकल रोटेशन में बैठे हुए हैं, लेट्स सी किधर तक पहुँच पाते हैं। सारे प्लेयर्स यहाँ पे रोटेशन के मूड में लग रहे हैं, लेकिन उनके सामने यहाँ पे एक टीम मौजूद है जिनके साथ अगर थोड़ी सी फाइट हो जाए या यहाँ पे अगर स्पॉट डाउन हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे फाइट में जो है इंडल्ज होना पड़ेगा दोनों टीम्स की तरफ से। ओ माय गॉड, रफेलो की बात करें तो इनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, लिटरली 2-3 बुलेट्स ही रहती है उनकी गाड़ी, और ख़ुद भी वो यहाँ पे जो है हाफ HP होने में हमें नज़र आई है। ख़ुद को यहाँ पे थोड़ा सा जोन में सॉरी कवर में रखेंगे, हील अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। एग्जैक्ट लोकेशंस तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से फायर मार्क्स आ रहे हैं उधर ही अपनी यहाँ पे जो है आँखें टिका के बैटिंग के सारे प्लेयर्स। TBR Nobody XT की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग एंगल इन्होंने होल्ड किया है एंड उनके नीचे ही यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में हमें प्लेयर्स मौजूद है जो कि नज़र आ रहे हैं। हाइट का एडवांटेज अगर यहाँ पे उनकी तरफ से उठाया जाता है अच्छे तरीके से तो यहाँ पे टेक डाउन किया जाता है, बट राइट साइड पे एक प्लेयर है जहाँ से उनको नॉक डाउन सॉरी डैमेज पड़ता हुआ नज़र आया था, वहाँ से नॉक डाउन भी हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि नॉक डाउन होते थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा लेते वो यहाँ पे कवर में आने में कामयाब हो चुके हैं। एंड वी कैन सी नोबडी आपको उनको पे लोकेशन पता चल गया, थोड़ा सा लेट के यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश की लेकिन एक भी बुलेट यहाँ पे प्लेयर को रजिस्टर नहीं हुई तो यहाँ पे नॉक भी नहीं निकाल पाए। नोबडी अगेन ही ट्राइंग टू चेंज हिज एंगल पोजीशन, यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके नेक्स्ट बिल्कुल डाउनवर्ड साइड पर यहाँ पे फ्यूरी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज सिंगल सिंगल पे भी यहाँ पे बुलेट चला रहे हैं एंड जैसे ही यहाँ पे फायर देते हैं वैसे ही यहाँ पे जो है क्राउच का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद यहाँ पे थोड़ा सा भी डैमेज जो है उनको रिटेलिएट ना हो। बहुत ही प्यारा यहाँ पे टीम स्टार के प्लेयर को टेक डाउन किया है TBR नाइट की तरफ से, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी वो यहाँ पे बहुत ही अहम सवाल रहेगा। एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, लेकिन हंसने की बात करें तो खुद को यहाँ पे पहले हील अप करने की कोशिश की जा रही है, एक छोटे से यहाँ पे जो पेड़ है उसका यहाँ पे कवर का इस्तेमाल कर रही हैं। जोकर की बात करें तो जोकर अपनी व्हीकल के साथ यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा रश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक यहाँ पे करवाए हुए थे, एग्जैक्टली मोस्ट यहाँ पे प्लेयर है 1v1 की सिचुएशन, लेकिन बहुत ही प्यारा यहाँ पे डैमेज रेजिस्टर होता है। जोकर लिटरली 1 HP से भी कम रहते हैं, जैसे ही एक नॉक निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे शैक के अंदर आ जाते हैं ताकि खुद को यहाँ पे हील अप करें, फिर ही दूसरी जगह पे यहाँ पे फाइट लेने में कोशिश करेंगे। दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की है, लेट गए हैं बिल्कुल यहाँ पे रास्ते के सामने ही, जैसे कि प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डैमेज देते हैं लेकिन वो प्लेयर जो है थोड़ा सा कवर में जाने में कामयाब हो जाता है। जोकर अगेन यहाँ पे देखेंगे कि क्या इनकी यहाँ पे सिचुएशन बनेंगी, आइदर ही इज गोइंग टू गो एंड रश या तो फिर वो जो है अपने प्लेयर्स की तरफ ही दोबारा जाते हुए हमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेट्स सी किस तरह से जो
हम लोगों को स्टार्ट है उनकी तरफ से देखने को मिलेगा रोटेशन का। और अभी के लिए दूसरी तरफ बात करें तो टीम एक्स के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे हमारे सामने, चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव है। कुछ डैमेज जरूर से पड़ा तो उसका मतलब यही होगा कि आसपास कहीं ना कहीं जो टीम्स हैं ओपोनेंट हैं वो ज़रूर से यहाँ पे रहने वाले हैं। तो लेट्स सी वो जो फाइट का सिलसिला है वो किस तरह से निकल कर आता है टीम एक्स के लिए। रियानू जॉर्ड अभी के लिए इस प्रॉपर टीम की बात करें तो कोई भी अभी के लिए खाता नहीं खोला जाता है इनकी तरफ से। वेट करेंगे कि एक कब एक मूवमेंट आएगा एक अच्छी फाइट का, वहाँ पर जब इनके पास मौका आ जाएगा तो उसके बाद तभी हम लोगों को फाइट में जरूर से मुबला होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन टीम क्वालिटी के प्लेयर्स क्या ही शानदार तरीके से कैंडी ये मैच आगाज लेके जा रहे हैं। 8 एलिमिनेशन पॉइंट, स्टेज 2 अभी स्टार्ट हुआ है और 8 एलिमिनेशन अभी से हो जाते हैं और फ्री स्टाइलर रैम्पेज मोड के अंदर जा चुके हैं। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अर्ली स्टेज से ही इनके पास मौजूद रहने वाले हैं। तो जो एक फाइट के अंदर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी अपनी टीम के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो नॉक है वो ज़रूर से निकाले जाएँ। टीम पीबी के प्लेयर्स को यहाँ पर स्पॉट आउट कर चुके हैं, लेकिन जोकर की बात करें तो वो थोड़ा सा एक रिस्की मूव यहाँ पर ज़रूर से कर रहे हैं। उनकी जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी वो लो रहने वाली है और अगर स्पॉट कर लिया जाता है दो प्लेयर अगर इसके ऊपर डैमेज देते हैं तो यहां पर ये नॉकडाउन जरूर से हो जाते हैं। और तो आपने अपनी टीम को अभी के लिए नुकसान में नहीं डालना, आपने जो रिस्क है उसको काफी ज्यादा मिनिमाइज करना है ताकि फाइट के अंदर आपके नंबर एडवांटेज जो है उसका फायदा उठाते हो। आपने ओपोनेंट को यहां पे जरूर से लूज करवा देने, लेकिन जोकर वो एक सेफ एंड साउंड तरीके से रोटेशन करके बैक साइड पर आ चुके हैं और बहुत ही प्यारा एंगल यहाँ पे मौजूद आता है। वो अपलेडी को स्पॉट ऑन करेंगे, डाउन किया जाता है वहां पर टोनी, उनको भी डाउन करने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और देखते देखते टीम भी अपने 3 प्लेयर्स को गवा देता है। लेकिन वहीं पर आखिरी प्लेयर को भी सरवाइव करते हुए एक 1v4 जोकर की तरफ से यहां पर निकल कर आता हुआ बहुत ही प्यारा यहां पे जो इन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया है बैक एंड से, यहां पे इनको पता था सारे प्लेयर्स ने जो है अपने आगे फ्रंट संभाला हुआ है तो क्यों ना मैं अलग एंगल पकड़ के ऑफ एंगल जाके थोड़ा सा बैक स्टेप करने की कोशिश करूं और उसी तरीके से यहां पे जो है किल्स भी सिक्योर कर लिए अपनी टीम्स के लिए। टोटल यहाँ पर 12 किल्स जो है टीम क्वर्टी अपने बैक पैक में शामिल करती हुई हमें नज़र आए हैं, जहाँ पर अभी फ़िलहाल 50 और बंदे हमें यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। तो अगर यहाँ पर एंड तक सर्वाइव करती है तो मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ़ किल्स यहाँ पे जो है 15 to 20 तक तो अप्रॉक्सीमेटली जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाते हैं, रश करते हैं, फाइट लेते हैं, नॉक पुश सिचुएशन कर रहे हैं, तो आई थिंक 15 to 20 मिनिमम किल्स तो यहाँ पे टीम क्वालिटी अपने बैक पैक में इस मैच के अंदर जो है कंज्यूम करके लेके जा सकती है। जी बिल्कुल, और हम लोगों ने ये देखा था कि पहला मैच नहीं गया था उस तरीके से अच्छा, तो आई गेस इस मैच में वो पुराने मैच की कसर जो है वो भी उतारी जा रही है इनकी तरफ से। जिस तरह से प्लेयर्स दोनों खेल रहे हैं तो एक ही मैच के अंदर ये टीम ये दो प्लेयर्स जो है वो 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेके जाने में कामयाब हो चुके थे। 6 और 5 का जो आंकड़ा है ये दोनों ही प्लेयर्स टीम क्वालिटी के रैम्पेज मोड में ज़रूर से जा चुके हैं। तो लेट्स सी ये दोनों ही प्लेयर्स मजीद कितना आगे जाते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। लेकिन किल फीड के अंदर टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स, टीम एगोन के प्लेयर्स वो हम लोगों को फाइट के अंदर नजर आएंगे और टीम एगोन एक्स साइड के उज़म की तरफ से TI-8 दानी के ऊपर जो नॉक है वो ज़रूर से निकाला गया था। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो पेन वो स्पॉट डाउन हो चुके हैं, वहाँ पर उनके ऊपर जो नॉक है वो भी ज़रूर से निकल कर आता है। लेकिन टीम एगोन एक्साइट की फाइट चलती हुई किल फीड के अंदर टीम क्वालिटी के ऊपर कुछ नॉक्स यहाँ पे जरूर से निकाले जाते हैं और देखते ही देखते हुए यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कैंडी की टीम क्वालिटी अपने 3 प्लेयर्स को गवा देती है और आखिरी सर्वाइवल अभी के लिए यहाँ पे ज़रूर से मौजूद रहेगा जो कि जोकर रहने वाला है। जोकर अब यहाँ पे फॉल बैक करने में कामयाब हो जाते हैं, नहीं पता चली वो वजह क्या रहने वाली जहाँ पर टीम क्वालिटी इतना अच्छा स्टार्ट लेके जा रही थी लेकिन वहीं पर अपने 3 प्लेयर्स गंवाने में कामयाब यहाँ पर जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है। और अब टीम क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड पर गई थी, अब थोड़ा सा स्टेल्थीनेस के अंदर ज़रूर से जाना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो मीटर शॉट एक्स स्टार की भी यहाँ पे फाइट हो रही है, 2 प्लेयर्स इन्होंने अपना गवा दिए हैं अर्ली फाइट में और यहाँ पे फाइट सर्वाइव नहीं कर पाए। 3rd प्लेयर भी इनका जो है फिनिश ऑफ हो चुका, नॉक थे, उनको रिवाइवल देना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है टैबी के लिए। और यहाँ पर टैबी को अगर देखा जाए तो व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करने की कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ से फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते फिलहाल। क्योंकि किल्स की बात करें तो इनके पास फिलहाल इस मैच में 0 किल्स रहेंगे और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी उनके लिए जो सरवाइव कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये सोलो रहेंगे।
तो यहाँ पे उनके लिए काफी ज्यादा हद तक मुश्किल रहेगा. एंड लेट्स सी हाउ इज ही गोइंग टू मेक इट टिल द एंड ऑफ द जोन, और इज ही गोइंग टू जस्ट यू नो गेट फिनिश्ड ऑफ यहाँ पे रोटेशन के टाइम पे, या क्या होता है ये है तो हमें जो है वक्त के साथ ही पता चलेगा. जी बिल्कुल, वो हम लोगों को वक्त के साथ ही पता चलाएगा. लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो टीम एगो नेक्स्ट साइड के प्लेयर्स अभी के लिए फाइट करने मुबला होते हुए नजर आएंगे. जहाँ पे ब्ला 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 अभी के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे. जैसे ही बैक साइड पे जा रहे थे वहाँ पर पहले से ही 7E के प्लेयर्स की तरफ से जो मोलीटॉफ था वो फेंका गया था, और उस मोलीटॉफ के चलते बनते वहाँ पर नॉकडाउन निकाले जाता है उनके ऊपर. और देखते ही देखते एक और टीम का मजीद जो खात्मा है वो भी देखने को मिल जाता है टीम एगो नेक्स्ट साइड के. IQ की बात करें तो 4 एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास मौजूद रहने वाले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीम इंटरशार्क के साथ जो फाइट है वो भी हम लोगों को जरूर से देखने को मिलेगी. जहां पर एक प्लेयर फॉल बैक करने की कोशिश करते, एक ऑफ गार्ड एंगल बनाने की कोशिश करते, डैमेज तो जरूर से देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए कोई भी नॉकडाउन नहीं निकाला जाता. लेकिन टीम एगो नेक्स्ट शॉट पूरी तरह से दबोच लिया जाता है पिंच डाउन करते हुए. टीम इंटर शॉट को यहाँ पे नॉकडाउन एलिमिनेट करना चाहेंगे, लेकिन एक प्लेयर वो बैक साइड से काफी मुश्किल पैदा जरूर से कर सकता है टीम एगो नेक्स्ट शॉट के. IQ उनको भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा अपनी नजरें जो है वो चुकानी जो रखने जरूर से चाहिए उनको, क्योंकि बैक साइड से नुकसान जरूर से पहुंचाया जा सकता है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीम एगो नेक्साइट वो क्लोज इन करने की कोशिश कर रही है, और देखना ये कि किस तरह से मजीद जो एग्रेशन है वो निकाला जाएगा. बैक साइड पे जाने की कोशिश करें ताकि अपने जो बैक एंगल्स है वो भी जरूर से सिक्योर कर लिए जाए. लेकिन नेट्स का डैमेज यहाँ पे जो जरूर से पहुंचाना चाहेंगे. उज़म की तरफ से एक नेट जाता हुआ जोनी डाउन होता है, लेकिन वहीं पर क्यू स्टार की तरफ से एक नेट जाता हुआ उज़म भी डाउन हो जाता है, लेकिन वहीं पर क्यू स्टार कन्फर्मेशन करना चाहेंगे. लेकिन बैक साइड पर हम लोगों को जो उज़म है वो रिटेलिएशन करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे, और स्टार उनको डाउन कर दिया जाता है. और यहाँ पर लेकिन पिका बैक साइड से एक एंगल लोड करने की कोशिश करते हुए क्या टीम है GoNextIEd को यहाँ पे जो डैमेज है वो पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे, नहीं वो बड़ा सवाल रहने वाला, क्योंकि तीनों प्लेयर्स को गवा दिया जाता है और पिका बॉय अपनी टीम के लिए लास्ट सर्वाइवल भी बच जाते हैं. और अब अपनी टीम का बदला यहाँ पे निकालना पड़ेगा. ओपन में प्लेयर्स को स्पॉट ऑन करते हुए एक ना एक प्लेयर को डेफिनेटली यहाँ पे जरूर से कंफर्म करना पड़ेगा. फिर एक प्लेयर को भी कंफर्म कर देते हैं तो ये अपनी टीम के लिए डेफिनेटली एक अच्छी कारकर्दगी कर पाएंगे, और वहाँ पर एक GoNextIEd उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचेगा, क्योंकि अपना एक प्लेयर गंवाना लेट गेम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो कॉस्ट कर सकता है. बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे एक ही प्लेयर यहाँ पे सोलो सर्वाइव करेगा पीका बॉय, और जीरो किल्स इनके बैक पैक में फिलहाल रहेंगे. लेकिन इनकी टीम ने काफ़ी किल्स निकाल दिए हैं. जब बग्गी का जो डैमेज इनको मिला है बहुत ही प्यारा यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, और फिनिश ऑफ भी हो जाते हैं. लास्ट प्लेयर था थोड़ी सी यहाँ पे जो है टक्कर पड़ गई उनकी बग्गी को, इसलिए यहाँ पे नहीं जो है जोन से निकल पाए, और टीम मिडर शॉट इस मैच से एलिमिनेट हो जाती है और लॉबी जाती हुई नज़र आ गई है. अब टीम GoNextIEd की बात करें, इस मैच में भी इनके यहाँ पे जो है 10 किल्स तो सिक्योर कर दिए हैं. 6 किल्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IQ के रहेंगे. फलक के 3 किल्स है, उज़म के 1 किल है, और वो जो ऊपर वाला उज़म है उसके सिर्फ 1 भी किल नहीं है फिलहाल. तो यहाँ पे जोन में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से. हील अप कर रहे हैं, बूस्ट अप करेंगे गाड़ी में ही बैठ के. और यहाँ पे अगर बात करें टीम VG की, तो एक प्लेयर यहाँ पे इनका एलिमिनेट हो चुका था, 2 गर्ल्स के साथ नजर आ रहे थे. फैजी की बात करें तो इनके पास यहाँ पे M416 रहेगी, और दूसरी यहाँ पे S12K का इस्तेमाल करेंगे फॉर द क्लोज रेंज. विंकी की बात करें तो यहाँ पे विंकी इज़ यूजिंग Mini-14 विद दैट 8x स्कोप. और यहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है टीम की. फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर इनको नज़र नहीं आ रहा. पिंक पैन की बात करें, छत पे चढ़ के यहाँ पे जो है चर्च पे एंगल लेके बैठे हुए हैं. आउट ऑफ द जोन अपना बैक क्लियर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसी साइड से यहाँ पे अगर बात की जाए उनकी तरफ से तो एक प्लेयर को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश की जाती है. दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे स्पॉट डाउन हो जाता है पिंक पैन की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा डैमेज दिया जाता है. प्लेयर को कामयाब हो जाता है, एक प्लेयर ऑलरेडी उनके सामने डाउन है. दूसरा प्लेयर को भी यहाँ पे हाफ एच पे करने में कामयाब हो चुके हैं. GoNextIEd की बात करें तो वो भी यहाँ पे जो है टीम RD के साथ फाइट में इंडल्ज हो सकते हैं, जिस तरह उनकी पोजिशन यहाँ पे हमें नजर आ रही है. लेकिन उस समय यहाँ पे TBR नाइट को टेक डाउन करते हैं. TBR यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन में फंसी हुई है. RD वर्सेस I8 वर्सेस TBR की यहाँ पे फाइट में इंडल्जमेंट होगी, तो यहाँ पे तीनों टीम्स थोड़ी सी मुश्किल में होगी. TBR का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो जाता है, दूसरा प्लेयर यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था. अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे उज़म की तरफ से देने को मिला था, लेकिन जो है कवर में जाने में कामयाब हो चुके. एक ही व्हीकल थी उनके पास, लेकिन बैक टू बैक वो व्हीकल से स्पॉट डाउन होते हैं. जैसे ही स्पॉट डाउन होते हैं वैसे यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाता है. वो किल भी यहाँ पे टीम I8 अपने बैक पैक में सिक्योर करती हुई हमें नजर आ गई है. जी बिल्कुल, अभी के लिए टीम GoNextIEd काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेल रही है. IQ जो है वो हम लोगों को डोमिनेशन के ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं. उनकी तरफ से कोशिश रही है यही कि अपनी टीम को मैक्सिमम नंबर ऑफ जो किल्स है वो दिलाने हैं यहाँ पर.
और कोशिश ये देखते हुए हम लोगों को मजीद आगे भी जो हम लोगों को जरूर से स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ टीम गोनेक साइड के उजम वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दानियाल मौजूद रहने वाले थे लेकिन डीवीएस का इस्तेमाल यहाँ पे मौजूद रहेगा लेकिन अपना एक प्लेयर खो दिया जाता है उनकी तरफ से। उजम वो यहाँ पे रहेंगे, आई गेस जो उजम जो कि अभी एलिमिनेट हो चुका है वो क्रिप्टो रहने वाले हैं, तो वो उनको ऊपर जो एलिमिनेशन है वो निकाल दी जाती है। टीम एगोन जो अपने चारों प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रहे थे, अब उनको तीन प्लेयर्स के साथ जो है वो मजीद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स सी ये तीनों प्लेयर्स मजीद किस तरह से आगे बढ़ते हुए जो फाइट्स हैं उसके अंदर मुबतला होते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे रिच की एंगल साइड पे पिंक पैन अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, बैक एंड साइड पे यहाँ पे उनके दूसरे प्लेयर्स अलग अलग एंगल्स होल्ड करके बैठे हैं ताकि चारों एरियाज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कवर करने के कामयाब होंगे या नहीं। उज़म यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं मॉन्स्टर ट्रक को, थोड़ा सा डैमेज भी यहाँ पे जो है नहीं रजिस्टर हो पाया अब, लेकिन जोन आ चुका है तो यहाँ पे फाइट में इंडल्ज होने की जगह इन्होंने डिसीजन लिया है दैट ही नीड्स टू मूव इनटू द जोन एज़ सून एज़ पॉसिबल। यहाँ पे ओनली डैडी की बात करें तो देखो किस तरह से वो फंस चुके हैं एंड फलक यहाँ पे नहीं रुके थे, जैसे ही यहाँ पे बुलेट्स रजिस्टर हुई है वैसे ही यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे देते हैं दोनों प्लेयर्स यहाँ पे टीम ओनली के, नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं बाय द टीम एकॉन एक्साइट। मास्टर इज गोइंग टू बी अ सोलो प्लेयर सर्वाइविंग, लेकिन उनके सामने भी यहाँ पे बैठे बैठे आई क्यू अपना एंगल होल्ड करके जैसे ही आते हैं वैसे ही नॉक फिनिश हो जाते हैं और टीम ओनली हमें नजर आती है लॉबी जाते हुए। उसम की बात करें तो यहाँ पे उसम नॉकआउट हो चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टीम के लिए टफ सिचुएशन रहेगा। टीम आरडी यहाँ पे उनके पास हाइट का पूरा भरपूर तरीके से एडवांटेज उठाते हुए हमें नजर आएंगे। फलक की बात करें तो फलक यहाँ पे जा चुके हैं बिफोर इंडल्जिंग इन टू दैट फाइट विद द टीम आरडी, यहाँ पे पहले अपने प्लेयर को रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे एंड यस फलक इज ट्राइंग टू रिवाइव और रिवाइव भी कर देंगे। रशियन सिचुएशन यहाँ पे आरडी की तरफ से नहीं दिया जाएगा बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड एंगल, जो पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं वो फिलहाल बहुत ही अच्छी रहेगी टीम के लिए। एंड यहाँ पे AL T4V की बात करें तो ईगल यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली नोज कि यहाँ पे रिच पे एक टीम है लेकिन जैसे ही पीक देते हैं वैसे ही वो कवर में चले जाते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे ईगल की तरफ से थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की जाती है उनकी तरफ से। वही बात अगर की जाए दोबारा तो यहाँ पे फलक 5 किल्स के साथ हमें नजर आ रहे, टोटल 16 किल्स इस टीम ने अपनी पैक पैक में सिक्योर करते हुए नजर आए हैं। फलक के सामने यहाँ पे प्लेयर है एंड आरडी की टीम थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलात में हो सकती है। वीजी की बात करें तो वीजी वर्सेस यहाँ पे आरएसटी की टीम की फाइट की जो है हमें होती हुई नजर आएंगे कुछ ही देर में। आरडी के प्लेयर्स कवर देने में पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पिंक मैन इज गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कवर और ADS उनके प्लेयर्स ने उनके ऊपर रखा है, तो जैसे ही यहाँ पे फलक की साइड से कोई भी कवर फायर देने की कोशिश या नॉक निकालने की कोशिश करते हैं वैसे यहाँ पे विंग की तरफ से कवर प्रोवाइड होगा। स्मोक के अंदर यहाँ पे ग्रेनेड्स पुल ऑफ करने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड्स द टीम एकॉन एक्साइट, क्या सिचुएशन बनेगी जैसे ही डैमेज देने की कोशिश की, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आईक्यू अपना एंगल होल्ड करके बैठे हुए थे। विंग को टेक डाउन किया जाता है, विंग की यहाँ पे थोड़ा सा 2 सेकंड्स लेट हो गए फायर देने में और वैसे ही यहाँ पे जो है एलिमिनेट तो नहीं कह सकते लेकिन यस विंग की अपने घुटनों पे यहाँ पे मौजूद है। एंड उज़म की बात करें तो यहाँ पे उज़म डिफरेंट पोजिशन होल्ड करके यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। पिंक मैन की बात करें तो पिंक मैन थोड़ा सा जो है मुश्किलात उनकी तरफ से फेस ऑफ होंगे बिकॉज जोन वहाँ पे उस जगह पे नहीं है एंड ही नीड्स टू मेक अ डिसीजन टू जस्ट गो इनटू द जोन। फलक की डैमेज देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बग्गी डैमेज हो चुकी है, एक दो बुलेट से अगर एक स्प्रे भी अगर उस बग्गी पे पड़ता है तो व्हीकल एक्सप्लोजन की वजह से फलक यहाँ पे हमें नॉक डाउन होते हुए नजर आ सकते थे। जी बिल्कुल, अभी के लिए टीम है गोनेक साइड के फलक वो ज़रूर से नॉकडाउन होते हैं हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हैं थोड़ा सा कवर ज़रूर से रहने वाला है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं होगा क्योंकि जोन के बाहर ये टीम रहने वाली है, उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। टीम RST के प्लेयर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जगह जोन के अंदर बनाई जाए लेकिन वहीं पर टीम 14 के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। टीम है गोनेक साइड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से जूझते हुए अभी फलक डाउन हो चुके हैं। टीम है गोनेक साइड के उज़म और IQ वो अभी के लिए यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैक साइड से RT के पिंक मैन और बुजेट
वो यहाँ पर आ चुके हैं, कवर पर देना चाहेंगे उजम का, फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पिंगमैन का डीबीएस चलता हुआ यहाँ पर उजम को भी एलिमिनेट कर देते हैं और टीम एगो नेक्स्ट साइड को जो पोटेंशियल थ्रेट रहने वाला था उनके ऊपर जो एलिमिनेशन है वो जरूर से निकाल दी जाती है। टीम 14 आरटी के प्लेयर्स 5 एलिमिनेशन पॉइंट इनके पास अभी के लिए मौजूद रहने वाले हैं। कुछ रिवाइवल भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। टीम आरएसटी जोन के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, कोशिश उनकी तरफ से करने में कामयाब भी हो रहे हैं। थोड़ा सा जो नॉक्स है वो निकाले जाते हैं जोन के अंदर रहने वाली टीम से, स्मोक के बादल बनाने की कोशिश करते हुए अभी के लिए यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जगह छीनना चाहेंगे। टीम आरएसटी के प्लेयर्स वो यहाँ से आगे अब बढ़ेंगे, उनके पास व्हीकल्स जो है वो आ चुके हैं और पूरी तरह से तैयारी के साथ अब टीम आरटी के साथ में भी थोड़ा सा एक्सलैमिन भी जरूर से किया जा सकता है लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरह से रोटेशन करके डायरेक्शन चेंज कर ली जाती है और अब जहाँ पर मौजूद जा रहे हैं वहाँ पर RTX4 वाइकिंग के प्लेयर्स वो पहले से ही मौजूद रहने वाले हैं। कुछ प्लेयर्स पहले से नॉक डाउन रहेंगे लेकिन पॉइजन डीपीएस चलाते हुए एक लेग को डाउन करेंगे, एक पर कोशिश करते हुए डीपीएस चलाते और देखते ही देखते 1v2 की सिचुएशन में कामयाब हो जाते हैं। दो प्लेयर्स को डाउन करने के बाद अब एक आखिरी सर्वाइवल भी रहेगा लेकिन अब देखना यह कि 1v1 की फाइट के बीच में ये प्लेयर्स क्या कामयाब होते हैं क्योंकि जो कि उनकी लोकेशन अभी तक अनरिवील्ड ही रहने वाली है, उस तरह से अंदाजा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही रिंग आती है प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए डीपीएस कनेक्ट करना चाहेंगे लेकिन जो कि डीपीएस के शॉट कनेक्ट करने में एपर को काफी ज्यादा लो एचपी पे ले जाते हैं। कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेस देने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको अंदाजा नहीं था और जो कि अपने स्कारल यहाँ पे कनेक्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं और देखते ही देखते टीम आरएसटी इज आउट ऑफ द मैच। लेकिन दूसरी तरफ आरटी के प्लेयर्स की बात करें तो वो आखिरी सर्वाइवल बचेंगे, 4v1 की सिचुएशन यहाँ पे अब आके मौजूद हो जाती है जो कि अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल बचेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है और टीम आरडी के प्लेयर्स इस दफ़ा सामने रोनमा होते हुए हमारे सामने आएंगे नो एलिमिनेशन के पॉइंट्स के साथ। पहला जो अपना चिकन डिनर वो सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो फाइट हुई थी जोकी ने बिल्कुल कोशिश तो की थी टेक डाउन करने के लेकिन आई थिंक वो FPP TPP में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और वो चेंज करने करने में यहाँ पे जो है उनकी शॉट्स आई थिंक मिस हो रही थी। लेकिन GG's टू द सेकंड टीम आल्सो, लेकिन बहुत प्यारा यहाँ पे टीम आरडी ने चिकन डिनर सेकेंड मैच का अपने बैकपैक में सिक्योर किया है। और नंबर ऑफ किल्स की बात करें तो अच्छे खासे नंबर ऑफ किल्स तो टीम क्वालिटी के भी रहते थे इस मैच में और टीम I8 के भी अच्छे किल्स थे, RD के आई थिंक 9 किल्स थे if I'm not wrong। बिल्कुल टीम आरडी के प्लेयर्स की बात करें तो नो एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास मौजूद रहने वाले थे। टीम जो हम लोगों को अगर बात की जाए टीम क्वालिटी के प्लेयर्स तो वो भी काफ़ी शानदार तरीके से अर्ली स्टेज में खेलते हुए नजर आए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके थे। 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास मौजूद रहने वाले थे और 12वीं पोजिशन पर वो एलिमिनेट हो चुके थे तो अगर वो थोड़ा सा मजीद सर्वाइवल निकालते कैंडी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके यहाँ से जा सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक जगह पर अपने 3 प्लेयर्स को गंवा देते थे। अगर वो ना गंवाते तो मे बी हम लोगों को टीम चिकन डिनर के लिए भी जो है वो काफ़ी नज़दीक आ सकती थी लेकिन टीम क्वालिटी जिस तरह से खेल की जा गई है इस मैच में आई होप कि जो अगला मैच आने वाला है सैनो का मैच रहेगा वहाँ पर भी काफ़ी शानदार तरीके से खेल सकती है। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि जब एक मैप पर आप इतने ज़्यादा डोमिनेट करते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि अगले मैच में भी जो है वो आप डोमिनेट ही करो क्योंकि कुछ टीम्स होती हैं उनका एक मैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है लेकिन दूसरा मैच उस तरह से वो नहीं खेल सकते, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर से हो सकती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 20 टीम्स अभी के लिए ज्वाइन कर रही हैं हर मैच तो इसका मतलब यही है कि ब्रीदिंग स्पेस वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी तो अगले मैच में हर ही टीम के लिए मुश्किल ज़रूर से बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ख़वातीन और हज़रात हम लोग अगले मैच में जाने से पहले चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, खुश आमदीद कहेंगे आप लोगों को एक बार फिर से पबजी मोबाइल के PSL के अंदर, जिसका जो है पाकिस्तान सुपर लीग रहने वाला है। आज के दिन की बात करें तो इनविटेशनल ब्रैकेट के मैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और न सारे टूर्नामेंट के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनविटेशनल टीम्स जो एलीट टीम्स है वो नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि कुछ अंडरडॉग्स टीम्स भी देखने को मिलेंगी। तो आज लाहौर वर्सेस कराची का दिन रहने वाला, और दो मैचेस हमने विटनेस किए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। मैं रहूँगा आपका दोस्त, आपका होस्ट मोकी, और आज के दिन को फिर से एक दफ़ा इस मैच को बेहतरीन बनाने के लिए मेरे साथ फिर से मौजूद है सोर कैंडी। तो सोर कैंडी, वेलकम बैक अगेन टू द शो। क्या हाल है आपके? दो मैचेस के बाद अब ये आखिरी मैच रहेगा आज का दिन, और वो भी सैनो का ये मैच रहेगा। तो सैनो के मैच से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या वाइब्स जो है वो देख नजर आएंगी? थैंक यू सो मच मोकी। एंड बिल्कुल, दो मैचेस बहुत अच्छे खासे मैंने तो विटनेस किए हैं। किल जो कन्फर्मेशन थी किल्स की, वो सब देख के मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन लास्ट मैच चूँकि सैनोक रहता है, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्साइटेड रहूँगी। प्लेन पाथ की बात करें तो प्लेन पाथ यहाँ पे कैंप अल्फा से लेके डॉक्स तक का बनता हुआ नज़र आया है। प्लेन पाथ इज ट्राइंग टू कवर ऑल द थ्री आइलैंड्स, लेकिन यहाँ पे जोन भी मुझे लगता है कि राइट साइड पे, इस बार मैं कह रही हूँ पैराडाइज और मंगोई कैंप ब्रेवो टाइप का यहाँ पे प्लेन पाथ जो है पूरा मेन आइलैंड कवर करता हुआ बनेगा। एंड लेट्स सी, यहाँ पे सारी टीम्स जो है अपने अपने मुख्तलिफ जॉब्स पे पहुँचती हुई हमें नजर आएंगी। बोट कैंप में जो कि बहुत ज़्यादा रश्ड एरिया रहता है, यहाँ पे भी तीन से चार टीम्स तो मिनिमम उतरती हुई हमें नजर आएंगी, और जो कि ड्रॉप क्लैशेस में इंडल्ज होंगी बिकॉज दिस इज द लास्ट मैच। तो कुछ टीम्स यहाँ पे या तो आर या तो पार करते हुए हमें नजर आएंगी। जी बिल्कुल, लेट्स सी किस तरह से जो सिचुएशंस है वो अभी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेंगी। टीम एगो नेक्स्ट साइड की यहाँ पे बात की जाए, हमारे सामने मौजूद रहेंगे, लेकिन इस दफ़ा ये सिर्फ तीन ही प्लेयर्स आते हैं, और अब ये तीन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना फेस आउट करना पड़ेगा इनको। लेकिन वहीं पर जोन की फॉर्मेशन वो भी हो जाती है टीम एगो नेक्स्ट साइड की। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मुश्किल इस तरह से कि तीन प्लेयर्स हैं और यहाँ पर उतरे भी बूट कैंप में, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टीम्स मौजूद रहने वाली हैं, तो ये मुश्किल उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस आउट करनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी इन मुश्किलात का सामना ये टीम किस तरह से लेके जाएगी यहाँ पे, इनका सामना करते हुए यहाँ पे जो फाइट्स है उसको अंदर अपने लिए जो कारकर्दगी है वो दिखाते हुए हम लोगों को नजर आएगी। टीम आरडी के प्लेयर्स की बात करें तो टीम आरडी हमारे सामने यहाँ पे मौजूद रहेगी, जहाँ पर उनका अभी पहला प्लेयर शहीद डाउन हो चुके हैं, लेकिन बजट मौजूद रहेंगे उनके बिल्कुल साथ, स्मोस के पाथ बिछाते हुए यहाँ पे विशोस कवर डिप्लॉय करेंगे, और वेट किया जा रहा है उनकी तरफ से। जब उनको लगा कि अभी खतरा टल चुका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी, तब भी जो रिवाइवल का प्रोसेस है उनकी तरफ से जरूर से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे अपने प्लेयर को, रेस्क्यू भी उन्होंने करना है, तो लेकिन रिवाइवल वो कब करेंगे वो एक बड़ा सवाल डेफिनेटली जरूर से रहेगा। लेकिन वीजी के फ्लिकर अभी के लिए यहाँ पे मौजूद, स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पिक्सल्स कुछ बॉडी जरूर से एक्सपोज हुई थी, लेकिन शॉट्स लैंड नहीं किए जाते। बिल्कुल, यहाँ पे फ्लिकर की बात करें तो जीरो किल्स फिलहाल मौजूद है। लूट अपनी जो है पहले सही तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, फिश पकड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिसीजन उनकी तरफ से नहीं लिया जाता फाइट में इंडल्ज होने का, क्यूबीज उनके हाथ में रहती हुई नजर आएंगी। एंड M416 की यहाँ पे शायद खोज जारी है उनकी तरफ से। एंड क्या सिचुएशन बनेंगे ह्यू की बात करें तो ये भी अपनी लूट मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे प्लेयर्स यहाँ पे अपनी एक ही एरिया होल्ड करते हुए नज़र आएंगे, एक ही कंपाउंड जो है यहाँ पे अपनी जगह बनाएंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टीम, यहाँ पे फ्रेगर की तरफ से डैमेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक भी बुलेट उनकी तरफ से रजिस्टर नहीं हुआ। बुजट की बात करें तो यहाँ पे वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। पिंक मैन यहाँ पे DPS अपने हाथ में लेके फुल यहाँ पे कॉन्फिडेंस में जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हियरिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फुल स्टेप्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। जैसे प्लेयर यहाँ पे नजर आता है वैसे यहाँ पे उनकी तरफ से टेक डाउन किया जाता है। पिंक मैन ने यहाँ पे फ्रैगर को डाउन कर दिया, एक नॉक यहाँ पे बहुत ही प्यारा उनकी तरफ से निकलता है, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन किया जाता है। कोल ट्रक्स भी यहाँ पे फिनिश अप हो जाता है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे पिंक मैन के दो किल्स इनके बैक पैक में सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। हीलअप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और टीम जो कि टीम VG है वो भी यहाँ पे हमें मौजूद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी के लिए टीम VG के प्लेयर्स वो भी ड्रॉप क्लैश का हिस्सा ज़रूर से बने थे। ये जगह रहने वाली है पैराडाइज रिजोर्ट,
जहाँ पर जो है वो टीम आरडी के प्लेयर्स धूम मचाते हुए नज़र आएंगे। स्पेशली पिंक मैन की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कैंडी, कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं इस रीजन के अंदर, 3 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब हुए थे। लेकिन दूसरी साइड पे रिव्यूज़ रिव्यूज़ एक नाम निकल कर आता हुआ, जो के स्पॉट ऑन करते हुए राइजन सर को बैक साइड से प्रोन शॉट्स लैंड करते हुए एक लेजर स्प्रे ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर उनका एलिमिनेशन भी जो है वो पूरी तरह से हो जाता है। रिव्यूज़ की थी जो किल की कंफर्मेशन है वो भी हो जाती है, मल्टीपल एंगल वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसी एंगल्स का जो फ़ायदा है वो भरपूर तरीके से उठाते हुए टीम क्वालिटी अपना एक प्लेयर गंवाने के बाद 2 किल पॉइंट यहाँ से जरूर से लेके जाता है। लेकिन टीम आरडी के प्लेयर्स पिंक मैन जो कि निकल कर आ रहे थे, लेकिन अभी के लिए नॉकडाउन ज़रूर से रहने वाले, लेकिन रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता हुआ भी है। HYD जो अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे, लेकिन RD के पिंक मैन उनको भी वाइप आउट करते हुए पूरी तरह से जो है अभी कंकर कर ही रहे हैं। लेकिन एक और टीम जो कि हम लोगों को नजर आ रही है मिनी मैप के अंदर, जो रेडार के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है, वो रहेगा टीम एक्स का स्क्वाड। शहीद स्पॉट कर चुके हैं, वागे अभी के लिए अपना जो ट्रिगर डिसिप्लिन है वो दिखाना चाहेंगे। एक डैमेज भी दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी नॉक निकाला नहीं गया उनकी तरफ से। तो लेट्स सी कितनी देर में वो जो टीम की फाइट है वो हम लोगों को फिर से होगी, क्योंकि फॉर्मेशन टीम RD को अभी के लिए बनानी है। फॉर्मेशन बनाने के बाद फिर उसके बाद जो फाइट के अंदर हम लोगों को जरूर से मुकाबला होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ टीम क्वालिटी के प्लेयर्स टीम 13 के ऊपर जो बोल बाला करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल एंगल लोड करते हुए टीम रिव्यू क्वालिटी के रिव्यूज यहाँ पे मौजूद हैं। DBS वर्सेज H12K की फाइट देखना ये कि कौन सी टीम यहाँ पर बाजी लेके जाएगी। टीम क्वालिटी अभी के लिए नंबर एडवांटेज का जरूर से फायदा उठाते हुए नजर आएगी और रिव्यूज अपने बाकी प्लेयर्स को कॉल करते हुए जो है वो क्लोज इनकाउंटर करने की कोशिश की उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन ज्यादा खुद ओवर एग्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कैंडी की अगर ओवर एग्रेस कर लिया जाता है यहाँ पे तो वो नाकामी की तरफ जा सकता है। लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स आएंगे और रैम्पेज वो प्लेयर निकल कर आते हैं जहाँ पर उनकी तरफ से कंफर्मेशन कर ली जाती है और टीम क्वालिटी अपना एक प्लेयर गंवाने के बाद यहाँ पर इस जगह पे फाइट को विन कर जाते हैं। बिल्कुल 3 किल्स सिक्योर किया है, लेकिन अपने प्लेयर को गंवाने के यहाँ पे जो है लॉस भी उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। RD की बात करें तो RD यहाँ पे टोटल हमें 6 किल सिक्योर करती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल, और बूट कैंप सॉरी पैराडाइज रिजॉर्ट पे फिलहाल दो से तीन ऐसी टीम्स हैं जो कि हमें नज़र आ रही है उनके रेडार में थोड़ी सी क्लोज इन करती हुई नज़र आएंगी। किस तरह से यहाँ पे फाइट में इंडल्ज होगी ये टीम, अलग अलग पोजिशन यहाँ पे शहीर की तरफ से अलग एंगल होल्ड करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ओमनी मास्टर की बात करें तो यहाँ पे उनकी किल जो है 0 है, लेकिन सामने यहाँ पे इनको पता है एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन फायर वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है उनकी तरफ से, ग्रेनेड भी पुल ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेफेलो यहाँ पे खुद को हील अप करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। लेट्स सी यहाँ पे अगर दूसरे एंगल ऑफ एंगल यहाँ पे अगर किसी प्लेयर ने पकड़ा है थोड़े से यहाँ पे ओपन में रहते हुए हमें नजर आएंगे तो नॉक एंड फिनिश का यहाँ पे सीनैरियो जो है उनके साइड से यहाँ पे उनको लॉस उस चीज़ का उठाना पड़ सकता है टीम को। जी बिल्कुल, लॉस जरूर से उठाना पड़ सकता है उनको, तो उनको काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो गेम अभी के लिए खेलनी है। टीम ऑल टेक्स फॉर वाइकिंग 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास मौजूद रहेंगे, चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए अभी के लिए यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आतिफ की लोकेशन अनकॉम्प्रोमाइज रहने वाली थी और नॉकडाउन किया जाता है ईगल को और कन्फर्मेशन वो पैन से कर दी जाती है, लेकिन गलती करते हैं अगले प्लेयर्स को टाइम दिया जाता है और वहाँ पर आतिफ उनके ऊपर भी जो नॉक है वो ज़रूर से निकाल दिया जाता है। और अब आतिफ को जो रिवाइव है वो भी करना ज़रूरी से जो है वो पड़ेगा, टीम को जो है वो एक प्लेयर की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूर से पड़ सकती है। लेकिन टीम RD के प्लेयर्स हमने यहाँ पर विटनेस किया था क्या ही शानदार तरीके से खेले थे, लेकिन अभी जैसे ही टीम एक्स के प्लेयर्स आए थे अब टीम RD के प्लेयर्स पूरी तरह से बिखर चुके हैं पैराडाइज रिजोर्ट के अंदर और शहीद वो एक हाइटेड एडवांटेज उठाना ज़रूर से चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर पिंक मैन निकल कर आता हुआ एक दफा फिर से जो काउंटर है वो करेंगे और टीम एक्स के एक खिलाड़ी को यहाँ पे पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। फिर से अब ये टीम नंबर एडवांटेज में हम लोगों को कैंडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो लेट्स सी अब इस नंबर एडवांटेज का फायदा मजीद किस तरह से उठाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे किल्स का भी एडवांटेज है और मैन पावर जो उनके पास फिलहाल मौजूद है चारों प्लेयर्स उसका भी फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है टीम की तरफ से। फोर वाइकिंग्स की बात करें तो इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। मलिक जो कि यहाँ पे पत्थर का कवर लेके बैठे हुए 2 किल्स उन्होंने अपने बैकपैक में सिक्योर किया है, लेकिन क्या सिनेरियो बनेगा वो यहाँ पे बड़ा अहम सवाल रहेगा और जो है आंखों के लिए एक ट्रीट है इन सारी टीम्स की फाइट देखना, विटनेस करना और उनके बारे में यहाँ बात करना, एनालाइज करना। लेट्स सी, बहुत ही
यहाँ पे जो है पिंक मैन के साथ अजीब ही सीन होता हुआ नजर आया है, जैसे यहाँ पे ऑफ एंगल जाने की कोशिश करते हैं वैसे यहाँ पे उनको टेक डाउन किया जाता है, वैसे यहाँ पे बुजिट आ जाते हैं उनको रिवाइव देने के लिए भी, शहीर अब पहुंच चुके हैं अपने प्लेयर को कवर देने के लिए। क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पे, जैसे ही जो है दोनों प्लेयर्स ओके बल्कि चारों प्लेयर्स यहाँ पे एक ही साइड पे आ गए हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे नेड आता है उमर की तरफ से, विंके को यहाँ पे टेक डाउन किया जाता है, शहीर पहुंच चुके हैं उनको यहाँ पे रिवाइव देने के लिए लेकिन उसी एंगल पे नहीं जाएंगे। बहुत ही प्यारे यहाँ पे पिंक पैन की तरफ से कवर दिया जाता है, उमर को नॉक एंड फिनिश किया जाता है विद एन एम4 16। जैसे यहाँ पे जाते हैं उसी एंगल के लिए, उमर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे अब थ्री प्लेयर्स सर्वाइव करेंगे, तो यहाँ पे 3 vs 3 की ही सिचुएशन रहेगी बिकॉज विंके इज डाउन फिलहाल, उनको जब तक रिवाइव नहीं मिलता वी कैन नॉट कंसिडर हिम और काउंट हिम एज अ प्लेयर सर्वाइविंग। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ओनली टीम की बात करें तो यहाँ पे 2 kills उन्होंने सिक्योर किए हैं इस मैच में, ग्रेनेड्स पे पुल ऑफ करने की कोशिश, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्लेयर जो है एंगल चेंज करके आने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन मास्टर स्टिल अनअवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। पिंक मैन यहाँ पे जो है एंगल होल्ड करके बैठे हुए हैं, खुद को यहाँ पे हिलअप करेंगे, बूस्टअप करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो है प्लेयर अगर डैमेज देने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लेट उनको डैमेज रजिस्टर हो। जी बिल्कुल, लेट्स सी किस तरह से जो फाइट है वो इससे जो हम लोगों को इख्तिताम जाते हुए नजर आएगी। टीम आरटी के प्लेयर्स पूरी तरह से इसी जगह को कब से कांकर करते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर इसी जगह पर इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं और अभी भी स्टिल यहाँ पर जो काउंटर है जो हम लोगों को नंबर है वो मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा और टीम आरटी के प्लेयर्स एक दफ़ा फिर से अपना बोल बाला करते हुए यहाँ पर फाइट को विन कर जाते हैं। और 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स कैंडी ये आम नंबर नहीं है, 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपना एक भी खिलाड़ी लूज़ किए बगैर उन्होंने यहाँ पे ये गेन किया, तो ये चीज़ बता रहा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से वो जो होमवर्क है टीम आरटी के प्लेयर्स वो ज़रूर कर कर आए थे और उस होमवर्क को डेफिनेटली यहाँ पे बता रहे हैं। हर टीम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमसे पंगा लेना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ टीम ओनली के प्लेयर्स की बात करें तो टीम ओनली अपने 3 खिलाड़ी गंवाने के बाद डैडी आखिरी सर्वाइवल बच चुके हैं लेकिन पॉइजन उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डैडी जैसे ही आगे जा रहे थे काफ़ी डैमेज दिया जाता है लेकिन एक प्री नेड उनके ऊपर भी डैमेज पड़ता हुआ दिखाई दिया जाता है लेकिन पॉइजन उनको जल्दी से एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल थ्रेट है उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा क्योंकि आपके 2 प्लेयर्स वो भी नॉकडाउन रहने वाले हैं। लेकिन पॉइजन हील करने में कामयाब हो जाते हैं और अब 1 vs 1 की फाइट फिर से हम लोगों को कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। पॉइजन अपनी लोकेशन फिर से चेंज करते हुए, डैडी भी पोजीशन चेंज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पॉइजन देखना ये कि उनकी तरफ से रिटेलिएशन किस तरह से निकल कर आएगा। एक नेड उनके हाथ में मौजूद रहने वाला है, अगर इसका प्रोजेक्टाइल अच्छा जाता तो डैडी एलिमिनेट हो सकते थे लेकिन फॉर्चुनेटली डैडी अभी तक स्टिल सर्वाइव करते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं। लेकिन बैक साइड पर टीम पीबी के प्लेयर्स वो भी फाइट के अंदर मुब्तला होते हुए नजर आएंगे। टीम पीबी हमने रेंगल के अंदर देखा था कि टॉप 2 टॉप 3 तक जरूर से गई थी लेकिन उसके बाद टीम पीबी के प्लेयर्स उससे ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिले थे लेकिन पॉइजन क्या ही शानदार तरीके से अपने पार्टनर को रिवाइव देने में कामयाब हो जाते हैं। वो फाइट जो कि 1 vs 1 पे रहने वाली थी अब 2 vs 1 पर आ गई थी लेकिन वहीं पर डैडी भी अपने एक प्लेयर को रिवाइव देने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि एक नेड दोनों का काम तमाम करता हुआ टीम ओनली इज आउट ऑफ द मैच। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ा सा फास्ट इन्होंने डिसीजन लिया कि थोड़े से 2-3 ग्रेनेड्स प्री फायर में देने प्री ग्रेनेड्स करवाने की कोशिश की थी फिर जाके अपने प्लेयर को उठाने की कोशिश की एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 1 से भले 2 का यहाँ पे जो है इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल की तरफ इस्तेमाल किया और दोनों प्लेयर्स साथ ही जाके ग्रेनेड्स मोलीटो करवाते हुए नजर आए थे एंड टीम ओनली फिनिश ऑफ होते हुए नजर आ गई। जोन की बात करें तो जोन यहाँ पे जो है बिल्कुल क्वेरी की आसपास ही बनता हुआ, क्वेरी तो है ही है लेकिन उसके आसपास जो छोटे छोटे कंपाउंड्स है बूट कैंप के पाइनान के वो सारे यहाँ पे जोन में हमें रहते हुए नजर आएंगे फिलहाल। एंड वी आर डाउन टू आई थिंक हाउ मेनी प्लेयर्स आर सर्वाइविंग इन दिस मैच, आई थिंक अभी के लिए सर्वाइवल की बात करें तो 28 प्लेयर्स अभी के लिए सर्वाइव करते हो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ़ टीम्स की बात करें तो 10 टीम्स अभी के लिए इस पूरे ही मैच को खेल रही हैं और लेकिन जितनी भी टीम्स खेल रही हैं इसका यही मतलब रहने वाला है कैंडी कि आपको अभी भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलेंगे अगर आप यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हो। 2 और स्क्वाड्स उनको यहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा तभी जो आपके प्लेसमेंट पॉइंट्स हैं पोजिशन पॉइंट्स हैं वो अनलॉक होंगे। तो लेट्स सी किस तरह से जो टीम्स हैं वो हम लोगों को मज़ीद आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। अब बला की बात की जाए तो ब्ला ब्ला ब्ला
टीम 14 के प्लेयर्स को स्निकर्स को यहाँ पे स्पॉट ऑन करते हुए उनका वेट किया जाता है और वहीं पर जो नॉक एंड एलिमिनेशन वो यहाँ पे उनको घात लगाते हुए हम लोगों को जरूर से देखने को मिल जाते हैं। टीम TBR के प्लेयर्स वो भी फाइट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नाइट उनकी तरफ से एक नेट फेंका जाता है सामने रिसीविंग एंड पे टीम 7 ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। हसन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक मौजूद रहेंगे और हसन ये वही प्लेयर हैं हम लोगों ने स्ट्रीम पर देखा तो नहीं है लेकिन टीम EGO NEXT I8 को इस मैच के अंदर 1v3 कर गए थे। तो हसन जो है वो मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन हसनी भी यहाँ पे मौजूद है। नाइट की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होते हुए काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा लेकिन बैक साइड से टीम TBR के प्लेयर्स की तरफ से जो कवर फायर है वो दिया जाता है बल्कि RT के प्लेयर्स आएंगे और मौके पर चौका मारते हुए एलिमिनेशन जो है वो निकाल दिया जाता है लेकिन विंकी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नाइट को भी घुटनों पर जो है वो लेके आया जाता है और विंकी टीम RT के प्लेयर्स की आप किल्स चेक कर रहे हैं हर प्लेयर्स के पास 6, 8, 3, 2 प्लेयर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ किल्स 19 जा चुके हैं। अभी स्टेज 3 यहां पे ख़त्म नहीं हुआ अभी भी 7 अलग टीम्स इन सर्वाइव कर रही हैं। तो टीम RD के प्लेयर्स क्या ही शानदार तरीके से मैं देखना चाहता हूं कि जो इख्तिताम है वो स्पेशली वो किस तरह से जाएगा। बिल्कुल चिकन डिनर कर सकते हैं अगर सारे प्लेयर्स उनके इसी तरह खेलते रहें किल्स भी अच्छे खासे हैं तो पॉइंट्स भी उनके उतने ही रहेंगे। लेकिन बनी जो कि लास्ट सर्वाइव कर रहे थे वो यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए हम नज़र आ चुके। स्ट्रीट थग्स इस मैच से हमें जो है लॉबी जाते हुए नज़र आ गई लेकिन जाते जाते बनी का एक किल कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर 4v की बात करें तो यहाँ पर पॉइजन जा रहे हैं 4 किल्स के साथ थोड़ा सा जोन में एंड ही इज़ गोइंग टू बी लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फॉर द टीम। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है टीम के लिए किस तरह से और बिकॉज डाउन टू 6 टीम्स ही फिलहाल सर्वाइव कर रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ा और अगर कर लेते हैं होल्ड तो किल्स भी उनके निकल आएंगे और सर्वाइव भी करते हुए नजर आएंगे। RD की बात करें तो क्या ही बात है चारों प्लेयर्स एक ही गाड़ी में यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टीम RD 1.5 लाख का टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्लासिक की मैचेस खेल रही हैं या तो कोई कस्टम रूम के जो रूम है वो खेलती हुई नज़र आ रही है। विंकी को देखा जाए तो विंकी यहाँ पे थोड़ा सा रहेंगे 6 किल्स के साथ और डिफरेंट एंगल्स और पोजीशंस चारों प्लेयर्स ने यहाँ पे अपनी अपनी होल्ड कर दी हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं है तो यहाँ पे उनकी तरफ से दोबारा से गाड़ी में बैठा जाता है। रोटेशन लेने की उन्होंने दोबारा डिसीजन लिया है रश करने का ही उनकी तरफ से यहाँ पर फैसला लेकर डैमेज पड़ता हुआ नज़र आ चुका है। मेरी नज़र लग चुकी है यहाँ पर एक प्लेयर इनका डाउन हो जाता है शहीर जिनके पास 3 किल्स है स्मोक करवाने की कोशिश की है। येस RD इज़ नॉट प्लानिंग lose any player for the team right now. तो यहाँ पे रिवाइवल भी दिया जाता है दोनों प्लेयर्स की तरफ से कवर और ADS भी प्रोवाइड होगा विंकी जो कि फिलहाल यहाँ पे रहेंगे 60 हेल्थ पे। वो भी खुद को यहाँ पे मेड किट लगा के बूस्ट अप करने की कोशिश की जा रही है। पिंक मैन यहाँ पे वो भी यहाँ पे बूस्ट अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से 20 किल्स कन्फर्म हो चुके हैं टीम के लिए। टॉप 5 में भी टीम RD आ चुकी है। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनती है बिकॉज द नेक्स्ट टीम जो उनके पास मौजूद है उनके भी यहाँ पे चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से जो है ये पोजीशंस होल्ड कर पाते हैं या तो आर होगा या तो पार होगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टीम PB के टीम है यहाँ पे PBXRIP तो यहाँ पे चारों प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं। किल्स की बात करें तो इतने खासे किल्स नहीं है लेकिन 3 किल्स है जैसे ही प्लेयर आता है DBS के चौथे में भाई क्या हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा चांस था वाकिफ के पास बिकॉज दैट प्लेयर जो कि शहीर थे उनको बिल्कुल आइडिया नहीं थी वाकिफ की लेकिन वाकिफ ने 3 DBS के शॉट मिस कर दिए और शहीर को जैसे ही पता चलता है वैसे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। पिंक मैन की तरफ से यहाँ पे ग्रेनेड्स पुल ऑफ करने की कोशिश की है। दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे उनका डाउन होता हुआ नजर आ चुका है। विंकी काफ़ी ज़्यादा हद तक लो रहेंगे खुद को यहाँ पे हील अप करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से एंड आई थिंक ही इज़ नॉकड आउट। हाँ जी नॉकड आउट है तो यहाँ पे रिवाइवल मिलना विंकी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल टास्क रहेगा अनलेस एंड अनटिल टीम की तरफ से यहाँ पे डिसीजन लिया जाए। यस मैं कब रहेंगे ब्लेडी की बात करें तो ब्लेडी का भी एक प्लेयर ब्लॉक था तो उनको यहाँ पे रिवाइवल दे दिया। बहुत ही प्यारा यहाँ पे शहीर को टेक डाउन किया है विद दैट DPS एंड दूसरा प्लेयर पिंक मैन भी डाउन हो चुका है। पिंक मैन शहीर को सबको कंफर्म कर दिया बहुत ही प्यारा क्या ही बात है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे टीम RD के इन्होंने नॉक एंड फिनिश किए हैं विद दैट DPS। अब यहाँ पे RD के पास थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ चुका है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर
अगर सर्वाइव करेंगे। पीबी की टीम यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से किल्स कंफर्म करती हुई नजर आई है और आरडी जो कि इस लॉबी को डोमिनेट करती थी उनको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी क्योंकि दो प्लेयर्स उनके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डुओ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे और देखना ये पड़ेगा कि किस हद तक ये टीम जो है सर्वाइव कर पाएगी एज अ डुओ। जी बिल्कुल, टीम आरडी के प्लेयर्स क्या ही शानदार तरीके से ये मैच खेल कर गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर अब उनको थोड़ा सा जो है वो पेस अपनी स्लो करनी पड़ेगी और वही चीज़ देखने को मिल जाती है। टीम आरडी मज़ीद अपने प्लेयर्स को गंवाते हुए आखिरी सर्वाइवल के ऊपर जो हम लोगों को जिम्मेदारी है वो आ चुकी है। इतने किल्स लगाने के बाद अगर आप थोड़ा सा स्लो हो जाते तो यहाँ पर चिकन डिनर निकाल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम आरडी जो कि चिकन डिनर के पूरी तरह से हम लोगों को हकदार दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल टीम्स के साथ जैसे ही फाइट होती है आखिरी सर्कल्स के अंदर वहां पर फाइट को लूज कर जाते हैं और यही चीज यही नुकसान होता है एंड सर्कल्स के अंदर कि आप लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं होता। जब सर्कल बड़े होते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्क्वाड सामने होगा, आसपास कोई दूसरा स्क्वाड नहीं होगा, लेकिन जब एंड सर्कल्स आते हैं तो अब एक टीम के साथ अगर आप फाइट ले रहे हो तो बैक साइड से आप लोगों को ऊपर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो वो चीज टीम आरडी के प्लेयर्स अपने माइंड में नहीं रखते हुए नजर आए थे और उसके बाद उनके ऊपर जो है एलिमिनेशन है वो निकाल दी जाती है और विंकी उनके कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। टीम आरडी किल्स की बात करें तो 21 किल्स तो उनके पास मौजूद रहने वाले हैं, काफी ज्यादा टॉप की पोजीशन पर हम लोगों को आ जाते हैं, टॉप 5 के अंदर जो अभी के लिए हम लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी भी स्टिल उनके लिए कड़ा इम्तिहान रहेगा। इस इम्तिहान में उनको देखना ही कि कितना मजीद सर्वाइवल जो है निकालते हुए देखने को मिलेंगे। टीम नेगेटिव के प्लेयर्स की बात करें तो अब टीम पीबी के अगेंस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। अब्दुल्ला यहाँ पे स्कॉट आउट करते हुए एक नेट दागते हैं और बनी उस नेटोनी जो है उस नेट से एलिमिनेट नॉकडाउन हो जाते हैं, लेकिन अब एक दफा फिर से नेड उनके पास यहां पे मौजूद रहेगा और एक नेड अच्छा प्रोजेक्टाइल फेंकते हुए यहाँ पर दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी नॉकडाउन नहीं निकाला जाता, लेकिन बैक साइड पे टीम पीबी के दानियाल भी मौजूद रहने वाले हैं, तो अगर दानियाल यहाँ पे स्पॉट डाउन कर लेते किसी प्लेयर को तो डेफिनेटली जाते जाते काफ़ी ज़्यादा एक धचका जो अगले स्क्वाड को पहुँचाते हुए हम लोगों को दिखाई दिए जा सकते। तो देखना ये कि दानियाल जिनके पास अभी के लिए 17 फर्स्ट एड किट यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जोन के अंदर किस तरह से जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता विंकी की बात करें तो विंकी भी हम लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, जीरो को स्पॉट ऑन कर लिया जाता है, जोन से अभी 50 मीटर का फासला उनको तय करके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उनको फाइट नहीं लेनी, अपनी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बतानी है दूसरों को, क्योंकि अगर यहां पे लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो सामने प्लेयर्स मिलके आपको टेकडाउन करने में कामयाब हो जाएंगे और आप #5 के ऊपर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कोशिश अपनी यही करने की एटलीस्ट अपनी टीम को टॉप 3 के अंदर जरूर से लेके जाना है, लेकिन विंकी आई गेस मूड में नहीं है सर्वाइवल के, वो चाहेंगे कि जिस तरह से पहले खेला है 6 किल्स आ चुकी हैं वो फिर से डोमिनेट करते हुए दूसरों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे से फाइट लेना, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो मौका मिलता है उसके बाद फिर से अपनी जो एक वेपन है उसका बोल बाला करते हुए फाइट के अंदर जरूर से मुबतला होंगे, लेकिन उज़ैफा पूरी तरह से ओपन में आ चुका है, लेकिन विंकी अभी फाइट नहीं ले रहे। पहला आई गेस यही प्रायोरिटी रहेगी कि जोन के अंदर जाना है, लेकिन जोन भी आ चुका है तो उनको जल्दी ही जो अपना जो एक इरादा है वो नियत जो है वो बांधनी पड़ेगी। 4-1 की सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन एकदम से विंकी उठेंगे यहाँ पे नॉकडाउन करते हैं उज़ैफा को, बैक चेक करते हुए उज़ैफा को डायरेक्ट कंफर्म भी कर दिया जाता है और टीम नेगेटिव जो कि अपने 4 प्लेयर के साथ सर्वाइव करती है अब 2 पे आ चुकी है, 0 की पूरी तरह से जो टेंशन है वो डाइवर्ट होते हैं। विंकी को यहाँ पे स्पॉट ऑन करना चाहेंगे, लेकिन विंकी अब यहाँ पर हम लोगों को 1-1 की फाइट में आते हुए डीपीएस का पटका देते हुए विंकी की तरफ से डाउन किया जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला एक बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कवर फायर देते हुए विंकी को भी टेक डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दानियाल एक बैक साइड से आते हुए हम लोगों को उनकी तरफ से एक बैक स्टेप किया जाता है और बिल्कुल यहाँ पे क्या ही शानदार तरीके से चिकन डिनर निकाल दिया जाता है। टीम टीबीआर एक माइंड में नाम भी नहीं रहने वाला था, लेकिन दानियाल वो काम कर दिखाते हैं और टीम नेगेटिव के प्लेयर्स को वाइप आउट करने के बाद अपनी टीम के लिए एक चिकन डिनर निकाल दिया जाता है और डेफिनेटली ये चिकन डिनर करने के बाद चीखें तो जरूर से आई होंगी माइक में वहां पर। बिल्कुल यहाँ पे जो है बहुत ही टफ सिचुएशन थी, एकदम अनएक्सपेक्टेड चिकन डिनर था यहाँ पे टीम एक्सटी की तरफ से, लेकिन बहुत ही प्यारा यहाँ पे दानियाल ने राइट टाइम के लिए वेट किया,
कि यहाँ पे विंकी और जो बाकी प्लेयर्स थे वो फाइट में इंडल्ज हो, तब जाके मैं लास्ट में फाइट लूंगा। जैसे ही उसको पता था कि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर लास्ट रिवाइव कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन की पता चली उनको, वैसे ही यहाँ पे फायर दिया जाता है और वो प्लेयर जाहिर सी बात अपने आप को हील अप कह रहे थे क्योंकि सिर्फ 3 या 4 HP पे थे वो, एंड पत्थर सॉरी पेड़ का कवर लेके खुद को हील अप करने की जैसे ही कोशिश की थी, दानियाल की नजरों में आ जाते हैं और दानियाल ने वैसे ही जो है चिकन डिनर सिक्योर किया है अपनी टीम के लिए। लेकिन नंबर ऑफ किल्स यहाँ पे मैं कहूंगी RD ही जो है 21 या 22 किल्स के साथ आई थिंक टॉप पे रहेगी, है ना मुखी? जी बिल्कुल, 22 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम RD के प्लेयर्स इस सोलो मैच में जो है डेफिनेटली वो लेकर गए थे। और जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सैनो के एक ऐसा मैच रहता है जहाँ पर टीम्स अपने लिए किल पॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेके जा सकते हैं, वो जो एक पीक है पीक किल्स जो है वो निकाल सकते हैं, और टीम RD वो पूरी तरह से वो जो एक एग्जाम्पल है वो भी सेट करते हुए देखने को मिल जाता है कि एक ऐसी जगह पर उतरे थे अर्ली स्टेज में जहाँ पर ड्रॉप क्लैश था और 3 टीम्स मौजूद रहने वाली थी, लेकिन उस ड्रॉप क्लैश में विन कर जाते हैं, दोनों स्क्वाड्स को एलिमिनेट करते हैं, और उसके बाद 2 मजीद स्क्वाड्स उनको टेक डाउन करने के लिए आए तो ज़रूर से थे लेकिन उनको भी वहाँ पे मात दे दी जाती है। और देखते ही देखते टीम RD एक ऐसा नाम बन चुका था जो कि पूरी तरह से लॉबी के अंदर डिस्ट्रक्शन कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी फाइट्स के अंदर वहाँ पर उनका जो पलड़ा है वो थोड़ा सा पलटता हुआ, हम टेबल्स जो टर्न है वो हम लोगों को टीम RD के लिए होते नजर आए थे, लेकिन आखिरी जो प्लेयर्स उनके मौजूद रहने वाले थे वो स्टिल उनको टॉप 3 के अंदर लेके आने में कामयाब हो जाते हैं। एक प्लेयर को हमने देखा था कि जो नेगेटिव के प्लेयर्स थे डाउन तो किया था DBS, लेकिन बैक साइड से वो जो कवर फायर आया था वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला था, लेकिन सबसे एक जो एक अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ रहने वाली थी वो दानियाल का सर्वाइवल रहने वाला था। और दानियाल जिस तरीके से पेशेंस से वेट कर रहे थे और एकदम से जैसे उनको मौका लगा कि 1v1 पे फाइट आ चुकी है, प्लेयर सामने थे, एकदम से उठेंगे और बैक स्वैप किया जाता है। तो ये PSL का जो ये हम लोगों को लाहौर वर्सेज कराची का जो पहले दिन का मैच था यहाँ पर ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अभी तो पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे बाकी है, तो आखिर आगे आगे देखना है यहाँ पर होता है क्या। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे 3 मैचेस मैंने विटनेस किए थे। अनएक्सपेक्टेड टीम्स तो नहीं थी लेकिन चिकन डिनर जाहिर सी बात है पहले मैच में IAT निकाला था, सेकेंड मैच टीम RD चिकन डिनर लेके गई अपनी बैक पैक में, और थर्ड यहाँ पे TBR XXT ने चिकन डिनर जो है अपने बैक पैक में हासिल किया है। और देखेंगे रिजल्ट्स भी जो है आपको अगर देखने हो तो GCW के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे रिजल्ट्स भी पोस्ट हो जाएंगे रात तक इंशाल्लाह। जी बिल्कुल गाइज, यहाँ पर आप लोगों को रात तक इस सारे ही जो आप लोगों को ग्रुप था लाहौर वर्सेस कराची के रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो हम लोगों को मज़ीद आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। ये था पाकिस्तान सुपर लीग Season 1 रहने वाला था जिसके प्राइस पूल की अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ का जो प्राइस पूल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इन्विटेशनल इवेंट यहाँ पर रहेगा और साथ साथ अंडर डॉग्स टीम्स भी आप लोगों को सारे ही इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। इस इवेंट के अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन का तो GCXPB की तरफ से जो है ये सारा ही टूर्नामेंट जो है ये आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, और इसके स्पॉन्सर्स वगैरह की हम लोग बात करें तो CSB ट्रेजन ई स्पोर्ट और 7 बैंडेड जो है इसके स्पॉन्सर भी रहेंगे, और ब्रॉट टू यू बाय बात करें तो सस ई स्पोर्ट्स, फेनेटिकल स्टार्स और 141 ऑफिशियल्स और AS ग्रुप ऑफ कंपनीज इसके यहाँ पे जो इसका भी इनका भी काफ़ी ज़्यादा हम शुक्रगुजार रहेंगे कि इनकी वजह से जो है ये सारा का सारा टूर्नामेंट जो है ये अभी तक आप लोगों तक पहुँचाने में जो है वो तावन इनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये था पहला दिन, हम लोग अगले दिन भी जो है वो मजीद नई टीम्स के साथ आप लोगों के साथ सामने आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन में, तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।